इस त्रिवेंद्रपुरम में विजय के बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन केरला में विजय के फैंस की बात करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। सर, कोई बात है तो बताओ। अरे उन्हें पकड़ो। अरे मेरी बात तो पूरी करने दे। अच्छा अच्छा, गलती हो गई। सॉरी दोस्तों। हाँ तो मैं कहाँ था, इस त्रिवेंद्रपुरम में विजय के बहुत सारे फैंस हैं, केरला में हैं, कोई यकीन नहीं करेगा लेकिन जरूर हैं। इस विजय के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए बहुत सारे नौजवान हैं। उनमें से कुछ को मैं जानता हूं, जैसे कि ये। जैनी, ये विजय की बहुत बड़ी फैन है, विजय से मिलना है, विजय के साथ फोटो खिंचवानी है और मौका मिला तो उसके साथ एक्टिंग भी करनी है। इस तरह के अरमान हैं जैनी के दिल में। ये सेकंड स्टैंडर्ड की जैनी विजय की फैन कैसे बनी है आपको पता है? जैनी जिसको चाहती है और जैनी को जो चाहते हैं वो सभी विजय के फैंस हैं। इसकी खास वजह है इसके पिताजी, उनका नाम है टुडे। नमस्कार, मेरा नाम है लव कुमार गणेश और मैं विजय भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो सरगम थिएटर के अंदर मैंने लव सिंबल विजय सर का बहुत बड़ा कटआउट ले जाकर लगाया है। उसके बाद विजय सर के फैंस में मेरी इज्जत थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, इसलिए प्यार से मेरा नाम रखा है लव कुमार गणेश। एक मिनट, मेरा मटका भर गया। रुकिए, ये लो पकड़ो जल्दी। आओ मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये मेरी बीवी है, जया नाम है इसका, इसे ले जाकर अंदर रखो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरा लेकर आता हूँ, तुम इसे लेकर जाओ ना जल्दी अंदर जाओ। ये मेरा ऑटो। अब मैं आप लोगों को थोड़ा और अपने बारे में बताता हूँ। मेरी एक छोटी सी बच्ची है जेनिफर, ये मेरा ऑटो है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे और विजय सर के बीच में क्या रिश्ता है और विजय सर की दुआ से मैं खुश हूँ। ये है बिजू। बिजू सिर्फ सरनेम है, इसका पूरा नाम है हनुमान बिजू। ये इस तरह के कठिन प्रयास इसलिए कर रहा है ताकि ये अपनी मंजिल पा सके, इसे बॉडीगार्ड बनना है। अपने छोटे ब्रिगेडियर विजय के शांति मंडल में विजय भाई के साथ फोटो खिंचवाने का मौका सिर्फ मुझे ही मिला है। विजय भाई के साथ खड़े होकर सिर्फ हम लोग ही फोटो खिंचवाते हैं क्योंकि हम विजय भाई के फैंस हैं। रियल में उनके साथ फोटो खिंचवाना संभव नहीं है क्योंकि विजय भाई के बॉडीगार्ड हमें घसीटकर दूर फेंक देंगे, समझे? घसीटकर? हाँ घसीटकर। और जैसे ही जमीन पर गिरोगे ना, हजारों लोग तुम्हें कुचल चुके होंगे और तुम्हारी जबान ऐसे बाहर निकली होगी। मैं विजय भाई को सामने से 15 सेकंड नहीं देख पाऊंगा, तब तक मेरी आंखें भर जाएंगी लेकिन वो फोटो बेकार हो जाएगी। बस इसी बात का दुख है। हे भगवान, मुझे भी विजय सर की तरह बॉडी, सेहत, सब कुछ देना। हे कृष्णा कृष्णा। गुल्लक में पैसे रखे थे कहाँ? माँ वो झूठ मत बोल, सच सच बता। अरे माँ मैंने निकाले थे। किस लिए? विजय सर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। क्या? अरे माँ मैंने विजय सर के साथ खड़े होकर एक कलर फोटो खिंचवाई, कैसे लग रही है? पैसे चुरा के फोटो खिंचा, बहुत अच्छा काम किया है। फिर माँ के साथ क्या किया? माँ के साथ? अरे माँ ने ही मेरी पिटाई की, अब तो लोग भी कहने लगे हैं वो फोटो मैंने फोटोशॉप से बनवाई है। अब मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझे उनके साथ फोटो खिंचवाना ही पड़ेगा और मुझे उनका बॉडीगार्ड भी बनना है, यही मेरा सपना है। नमस्कार दोस्तों, केरला में विजय के फैन का सिर्फ एक ही नाम काफी है, भीमा पुल्ली गुल्ली नौशाद। उसका सबसे बड़ा फैन है ये भीमा नौशाद। इस विजयनगर में अगर बीजू 10 पर्स मारेगा तो मैं 20 मारूंगा। वो जो भी करेगा हम लोगों को उससे 20 गुना ज्यादा करके दिखाना। पता है क्यों? क्यों भाई? हम लोगों को विजय सर के दिल में एक बहुत ही खास जगह बनानी है, समझा? वो जब भी मिलते हैं तो एक ही बात पूछते हैं, ए नौशाद तू मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। इतना प्यार से बुलाते हैं इस नौशाद को, इतना मानते हैं मेरे को। मुझे पता है। हाँ तुझे पता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ISR सर, जिन्होंने स्पेस में रॉकेट छोड़ा है, उनका साइंटिस्ट ग्रुप में बहुत ही अच्छा नाम है। और ISR सर अभी हमारे बीच में है। हाँ, चलिए ISR सर जी से कुछ बात करते हैं। सर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके आगे के और क्या क्या प्लान्स हैं, क्या आप हमें उनके बारे में बताएंगे? 40 साल से ISR सर ने मेरे काम में मेरा भरपूर साथ निभाया है। सारे अनुभव का इस्तेमाल करके अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब एक नई जिम्मेदारी को निभाने जा रहा हूँ। कहाँ गया वो बिजू? हाँ बिजू।
एक्सक्यूज मी, बॉडीगार्ड बीजू। ये है बीजू, हनुमान बीजू। इसकी रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। स्मॉल ब्रिगेडियर विजय के फैन संगठन में विजयनगर के मंडल में मैं यूथ प्रेसिडेंट का चार्ज लेने जा रहा हूँ। और वैसे भी रिटायरमेंट मतलब डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, यहाँ रहना चाहिए। ये सभी लोग विजय के फैन। वैसे इनसे भी बड़ा फैन एक और भी। ये फिल्म रिलीज हुए 10 साल हो गए, लेकिन देखो फिर भी लोग कितने दीवाने हैं। सही कहा, दिख ही रहा है। अब चलोगे? बहुत ज्यादा गैलरीज लग रही है। क्या कह रहे हैं? विजय सर की जय, हमारे विजय सर की जय। बैठ जा, बैठ जा। अरे साइमन, वहाँ देखो नौशाद के लोग हल्ला मचा रहे हैं। चल, अरे रुको रुको। चुप, ये भोपू बनकर वहाँ पर जो डायलॉग चल रहे हैं ना, वो सुनाई नहीं दे रहे। विजयनगर में विजय का फैन होने के नाते तेरी कोई औकात नहीं है मुझे भोपू बजाने से रोकने की, समझा? अगर इस नौशाद से पंगा लिया ना तो यही नहीं पूरे जिले में कहीं टिक नहीं पाएगा। तुम लोगों को रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन इस भोपू की वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। इन लोगों ने फिर झगड़ा शुरू कर दिया। चलो चलो, तो जेल में डाल दूंगा। मैं संभालता हूँ प्लीज। डियर फैंस, हमारी पोकरी फिल्म रिलीज हुए 10 साल हो गए हैं, तो हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। और लेंगे क्या? हाँ दे दे, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। अरे कम नहीं पड़ेगा, और देना। शाबाश, जा। आप लोग? कौन है? हेलो। अरे सर, ये क्या, आप अभी कहाँ हो? कितनी देर से मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ पता है? मैं एक प्राइवेट फंक्शन में आया हूँ। वैसे बात क्या है बताओ? मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। हाँ तो बात क्या है वो बोलो ना। सर थोड़ा सा लफड़ा हो गया। अच्छा। है साइमन और लड़कों को पुलिस वालों ने उठा लिया है। वो हुआ क्या कि लड़के रोड पर नाच रहे थे। अच्छा। आखिरी समय में वहाँ मंत्री जी की गाड़ी आई, रोड ब्लॉक हो गई, बस इतना ही। क्या मंत्री? हाँ वैसे ऐसा ही सत्य ने ही बच्चों को उठाया है। सर अगर आप उनको फोन कर देंगे तो। एक मिनट रुको, मैं सत्यन से बात करके तुम्हें कॉल करूं। ओके। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है सर। हाँ, अब हम लोग साथ में ड्यूटी करते हैं तो रात भी साथ में ही गुजारेंगे। आप भी ना सर। सीआई है, कभी कभी सर पे चढ़ जाता है। विजय के फैंस को छोड़ने के लिए फोन कर रहा है। ये हादसा कहाँ पर हुआ था? सर मैं लड़की को स्कूल छोड़कर आया था, उसके बाद स्कूल से फोन आया, उसका कोई अता पता नहीं। सर हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे सर। कौन से स्कूल में पढ़ता था आपका बच्चा? सेंट मेरी में सर। मासूम है बेचारा। तो हम क्या कर सकते हैं? ए, चल जा। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सेल्फी लेता रहता है। पहले उसके बाप को ही सर कुछ भी करना पड़ेगा। ये लोग किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। ऐसी बात सर, है क्या? हाँ सर। जरा वाईफाई दो ना। वाईफाई ये लो।
अरे बात तो सुनिए, कहां कहां से आ जाते हैं। क्या बात है? वो सर वाईफाई चाहिए। पुलिस स्टेशन में तुझे वाईफाई चाहिए गधे? नहीं सर, अब नहीं चाहिए। तुम लोग मंत्री की गाड़ी रोकोगे? ये नौशाद का काम नहीं, इनका काम है। नौशाद ऐसा नहीं करता सर। कौन है रे नौशाद? मैं। अभी तो तू बड़े रोब से बात कर रहा था। सर वो आदत पड़ गई सर। हंस क्यों रहा है रे? बत्ती सी तोड़ू क्या तेरी? तू काम क्या करता है? इनका प्रेसिडेंट हूँ। कौन से एरिया से है? वो विजय मंडल का गिल्ली पुल्ली एरिया। तू कौन है बे? बड़ा फेवर ले रहा है? सर विजय फैंस मंडल का सदस्य हूँ सर। ऐसे मसल्स किस लिए बनाया? ये विजय का बॉडीगार्ड बनना चाहता है। तुझसे मैंने पूछा? नहीं सर, ऐसे ही बता रहा हूँ। तू है कौन? विजय फैंस मंडल का मैं नहीं हूँ सर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं तो खड़ा होकर डांस देख रहा था सर। सर आए और कहे कि गाड़ी में चढ़ो, इसलिए आना पड़ा। बंद कर अपना बकवास करता है। अरे तू कौन है? अमिताभ है क्या? बटन बंद कर। नौशाद को छोड़ दिया, अपने पीछे लग गया। तेरे पिताजी तो पहले से ही मेरे लिए सिर दर्द है, ऊपर से तू भी आ गया। हड्डी पसली एक कर दूंगा। एक पैसे की अक्ल नहीं है तुम लोगों में। दिन भर आवारा गर्दी करते हो, फैंस बनकर तुम लोगों को हासिल क्या होता है? हा? सर जी, सीआई सर ने फोन किया हुआ ना? हाँ, फोन आया था। हाँ। पर मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। वो इनका सपोर्ट लेकर के सबको बिगाड़ रहा है, पर ऐसा करके उसे क्या हासिल होने वाला है? ए, चलो निकलो। चलो चलो चलो। यहाँ मैंने सीआई के बारे में जो कुछ भी कहा है फिर से जाकर मत बोल देना, समझ गया? और ये बटन बंद कर ले, अब जा। चलो सर जी, आप रुकिए। ये आपको क्या हो गया सर? आप क्यों इनकी जिंदगी बिगाड़ना चाहते हैं? आप तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, रॉकेट छोड़ने वाले। कहाँ आप इन सड़क छाप लोगों के पीछे पड़े हैं? छे। एक मिनट, बीवी का फोन है। हाँ बोलो। लक्ष्मी पूजा? हाँ करते हैं करते हैं। अरे मैंने कह दिया ना तुम शाम को तैयार रहना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। ये लो पकड़ो। कहाँ चले गए? हाँ सर, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? वैसे सर आपको भगवान पर भरोसा है कि नहीं? और अगर नहीं है तो? शिवगासी गांव में एक आदमी ने भगवान की फोटो बनाई और आप उसी फोटो की पूजा करते हैं ना, उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, अपना दुखड़ा रोएंगे, मन्नत मांगेंगे, तो ऐसा करने से कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। हम भी इस चलचित्र में जहाँ हीरो नाचता है और गाता है, अन्याय के खिलाफ लड़ता है, पाप की दुनिया को मिटाता है, और हम उस पर जितना भरोसा करते हैं उसी भरोसे को ध्यान में रखते हुए हम सब पूरा करेंगे। इसमें मिलता है थ्रिल, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, उसी का नाम है विजय। इस मामले में ऑटो वाला, फेरी वाला, मंत्री के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। हर किसी के अंदर एक जुनून है और वही जुनून हम बाहर दिखा रहे हैं। और वैसे भी विजय का फैंस होने के नाते इन लोगों में गुण है, इन सब का जमीर अभी जिंदा है। तो फिर मिलते हैं सर, और दोबारा मिलने तक नमस्कार। इतना बड़ा आदमी है क्या? ओके, फिल्म की रिलीज डेट और बहुत बड़ा पोस्टर, कलरफुल सॉन्ग्स, इन सब पे पानी फेर दिया। भाई जरा बॉल फेंकिए ना। अरे एक तो यहाँ पर सीरियस डिस्कशन चल रहा है और इसकी तो आपकी बॉल आई ना तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। केस हो गया है ऐसा नौशाद ने उन लोगों को बता दिया है। अब फोटो शूट और साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाना नहीं होगा। आपको समझाना चाहिए था भाई। भाई ये पनीर सर कौन है? अबे पनीर सर को फोन करो तो उठाते भी नहीं है यार। अरे ये पनीर सर कौन है? कुछ दिन से लगातार नाम सुन रहा हूँ। उसका इज्जत के साथ नाम ले, समझा क्या? जानता है वो कौन है? विजय सर का सेक्रेटरी है वो। अरे वाह, विजय सर का सेक्रेटरी? ऐसा हो ही नहीं सकता, बेरोजगार लोग सेक्रेटरी रख रहे हैं। इस आदमी को विजय सर के नाम से जलन होती है क्या? इसको कट करते हैं यार। अगर और करेगा तो हम कट करेंगे। अरे भाभी समोसा पाव है क्या? अरे वो आज नहीं बना पाई। दोपहर 12 बजे तक घूमना, हर काम में टांग अड़ाना और हाथ में जो पैसा है वो खर्च कर देना। ये सब कुछ होगा और 12 बजने के बाद में खुशी मिलेगी और सोचे हुए काम का फल मिलेगा। वैसे भी 12 बज चुके। यार मेरी भी पढ़कर सुना ना। अबे तेरी राशि तो मेष राशि है ना? हाँ वही। मेष राशि वालों का पूरा नुकसान होगा, हर काम में रुकावट आएगी और किसी भी कार्य में तू सही बता रहे ना, सिद्धि नहीं मिलेगी, पर रिश्तेदार मदद जरूर करेंगे। ए, क्या बकवास है। मदना कामेश्वरी तेरी माँ का नाम है ना, वो कुछ ना कुछ करेगी। ना 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 ना
हेलो, अभी मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, बाद में फोन कर। अरे विजू, ये पुलिस स्टेशन में था ना? हाँ, ये बाई तरफ जो सुंड है ना, अगर हम इस मूर्ति को अपने साथ रखेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा, रातों रात अमीर हो जाएंगे। किसने कहा था? अबे तू जरा इधर आ, तुझे मेरी आदत तो पता है ना। अबे ये भी कांड कर दिया, अब ये मामला भी भुगतो। अरे ये तो सिर्फ गणपति की मूर्ति है, कोई परेशानी नहीं होगी। हे, वो देख सूर्य आ रहा है। अरे बिजू, ये क्या है, हाथ में गणपति लेके बैठा है? अरे गिफ्ट में मिली। अरे साइमन, पोखरी के पोस्टर को दूध से नहलाया? नहीं, आज दूध डालना मुश्किल हो। वैसे मैंने तुझे देखा नहीं, कहाँ था तू? थोड़ा बिजी था, सिंघम 3 रिलीज होने वाली है ना, उसी में थोड़ा बिजी था। कल मेरे चाचा की लड़की की सगाई है ना, उसमें सूर्या भाई को बुलाया है। भाई साहब शूट में बिजी है। अच्छा, तुम्हारे चाचा की बेटी की सगाई में सूर्या आने वाला है? क्या बकवास कर रहा है, चल निकल यार। मैं फैन हूँ इसका, देख इधर, ये कोई फोटोशॉप नहीं है, ओरिजिनल फोटो शूट किया है। तुम्हारी तरफ फोटो एडिट नहीं करवाते हम लोग। चल छोड़ जाने दे, दोपहर को उस तरफ आना, दो पैग मार के निकलेंगे। हैं? अरे मंगेश, रुक। खाली पैग मिलेगा या साथ में कुछ और भी है? अबे साइमन, क्या हम सूर्या के फैंस बन जाए? देख बिजो, बेकार की बात मत करा। सॉरी साइमन। 1 किलो शक्कर देने में इतना टाइम लगता है, थोड़ा जल्दी करो अंकल। हाँ हाँ देता हूँ। अरे बिजू बेटा सुनो, बिजू। यस डैड। जरा इधर आना बेटा, डैडी बुला रहे हैं, जाके आ जा। क्या बात है, इसके डैड हमेशा इसको बुलाते रहते हैं। आज मैं हूँ एक जीरो, कल बनूंगा हीरो। क्या हुआ डैड? अरे तुम क्यों बेवजह अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जरा मेरी मदद करो, मैं अकेले काम करके परेशान हो गया हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है। उम्र हो गई तो क्या हो गया? जिसने बेसहारे और कमजोर लोगों के लिए जंग का ऐलान किया था, दौड़ दौड़ कर लोगों की मदद करने वाली मदर टेरेसा की उम्र 87 थी। सारे अंग्रेजों को जहाज में बिठाकर विदा करने वाले गांधी जी की उम्र थी। अरे गांधी जी की उम्र क्या थी? 74 साल। यस 74। रिटायरमेंट शब्द डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, यहाँ है, इधर है। राशि फल मेरा सही जा रहा है, जो उसमें लिखा है वो सब सच हो रहा है। हाँ, मैंने बोला था ना, उसमें जो भी होता है सच लिखा होता है। अरे साइमन, तूने जो बात बताई थी वो भी सच होगी ना? ये भी तो ठीक बोल रहा है। इनकी वजह से मेरे पिताजी मुझे जान से ना मारते। हाँ बोलो। हाँ खरीद लिया, किरोसिन तेल सब्जी सारी चीजें खरीद लिया। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, अभी मैं एक मीटिंग में हूँ, समझी? हाँ मैं बाद में करता हूँ। मीटिंग में? ये कैसी मीटिंग? ये मीटिंग ही है ना। हे भगवान, एक ही गाना सुन सुन के पागल हो जाओगी एक दिन। साउंड इतना तेज रखती हो कि छत नीचे आ जाए। एक टीवी खराब हो चुका है, अब इसे भी कर दो। सब्जी काट के रखिए, जाके बना दे। मुझे असाइनमेंट पूरा करना है। इतनी देर से तू टीवी देखे जा रही थी, अब सब्जी के लिए कह रही हूँ तो असाइनमेंट बनाना है। सच में मुझे लिखना है माँ। ए जाके सब्जी बना दे, जा रही है कि नहीं? माँ। हाँ माँ। हे भगवान, ईश्वर, जीसस, मुझे बचाओ। क्या करें, चुप चुप के जाना पड़ेगा। बदबू हो रही है। जय जवान जय किसान। माँ दूध। ओके माँ दूध। तू इधर ही रुक। कहाँ था तू? कहाँ था 3 दिन से बता? फिल्म की रिलीज थी। इस महीने की 27 को तुम पूरे 27 साल के हो जाओगे, पता है ना? तुम्हारे साथ जो जो पढ़ता था सबकी सरकारी नौकरी लग गई है, बस तुम इधर से उधर टहलते रहो। अरे मैंने भी तो BSc पूरा किया। अरे कर लिया है तो क्या करूँ, जॉर्ज की तो शादी के बाद बच्चे भी हो गए। जॉर्ज और उसके बच्चे? हाँ बच्चे हो गए। कौन सा बच्चा? साइमन तुम बात बदलने की कोशिश मत करो, एक बार माँ कह के तो बुलाओ। अरे बाप। बोलो, मेरी तरफ देख के बोलो। मम्मी यही पे रुको। कैंची से काटना चाहती हो क्या? हाँ हाँ काट ही डालूंगी। सब्जी कैसी बनाऊं? अरे जैसे बनाना है बना दे, फूंक मार, फूंक। मैं कह रही हूँ ना, फूंक मारने के लिए फूंक, इसके अंदर फूंक। अब चल जा, जा इधर जा। मैं जाऊं क्या? हाँ तू चला जा।
सिर्फ चंद पैसों के खातिर जिसने जीसस को पकड़वाया वो धोखेबाज। उदास हूँ मैं। कहाँ है मेरा मुकुट? कहाँ है मेरा मुकुट? कहाँ है मेरी तलवार? कहाँ है मेरी तलवार? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? तुरंत आ जाओ। तुरंत आ जाओ। 150 हाथी 150 हाथी 110 घोड़े 110 घोड़े सभी को लाइन में खड़े करो। वाह कमाल है। और क्या अंकल? ये देखो मेरी बेटी का कमाल की एक्टिंग करती है। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या बात है। अच्छा बेटी सुनो ओके रे। जब मैं एक बार फैसला कर लेता हूँ ना तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। तू मेरी बेटी के अलावा एक कलाकार भी है। कलाकार भी है। मेरा नाम रोशन करेगी तू। तुम्हारी बेटी स्टार बनने वाली है। तो फ्लैट खरीद लो गणेश। अरे मेरे प्यारे मुसा मुझे फ्लैट में अच्छी नींद नहीं आती है। तो कहाँ आती है? अबे वैसे भी तू अब कौन सा फ्लैट में सोया है? अभी तक सोया नहीं ना। मैं तो आगे के बारे में बता रहा हूँ ना। अरे ये तो एक नंबर का बेवकूफ है। इसे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता। कभी लाइफ में तूने एक्टिंग की है? दूसरों के बारे में बता रहा है जा बे। तू चुप कर। अरे ये इंडस्ट्री में कुछ तो बनेगी। मुझे विजय की फिल्म में काम करना है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक चुप रहे यार। अरे क्यों बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो? बेटी ये लोग विजय के साथ फोटो खिंचाने की कितनी कोशिश कर चुके लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसलिए तुम इनकी बातों में मत आओ बेटी। बेटी तुम एक्टिंग को छोड़कर पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। अरे भाई साहब तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे जैसे लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं होता है तो कुछ भी बकवास करते रहते हो। चलो अरे चलो मैं निकल। थोड़े ही बोल रहा हूँ, बेटी को समझा रहा हूँ। क्या हुआ? एक ना एक दिन हम विजय भाई के साथ फोटो खिंचवाएंगे और साथ में एक्टिंग भी करेंगे। ओके लक्ष्मी लक्ष्मी क्या है? कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि तेरे पापा आने वाले हैं। मैं निकलता हूँ। अरे थोड़ा सा वेट कर लो, मेरे पापा जरूर आएंगे। लक्ष्मी 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 सॉरी थोड़ा लेट हो गया। क्या पापा कितनी देर से हम लोग गिलास के साथ वेट कर रहे थे। इतना लेट आता है क्या कोई? थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है ना। चीयर्स। मेरे ग्लास में ज्यादा पानी क्यों डाला? खराब हो जाएगा तेरा। वैसे इशू हमारे पुलिस स्टेशन में क्या खास चल रहा है? वहाँ क्या है सर, लड़कियों का अपमान करना, बच्चों को किडनैप कर, गुंडागर्दी, यही सब है। 365 दिन वही केस। यही वजह है कि मैं वहाँ जाता नहीं हूँ। अब तो लगता है जब तक कोई नया केस नहीं आए वहाँ जाओ ही ना। नहीं सर आप ऐसा मत कीजिए, वो इंस्पेक्टर सत्यन हम लोगों को पकड़ कर मारेगा। उसके बारे में कुछ सोचिए सर, हमें परेशान। इस बारे में कुछ सोचता हूँ कैसा रहेगा अगर इस बार इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो। हाँ बढ़िया आइडिया है, आप इसी के लायक हैं। जब आपके पिता यहाँ पर मिनिस्टर थे तब त्रिवेंद्रम स्वर्ग जैसा था, स्वर्ग जैसा। पार्टी को मेरे पिताजी ने खड़ा किया था और मेरे घर वालों की तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर है। अगर इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ तो पार्टी हाथ से गई। सर आपको खड़ा होना ही चाहिए, हमारे विजय के फैंस की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सही बोला ना विजू, फुल सपोर्ट मिलेगा। हाँ सर फुल सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा। बोतल तो मंगवा लेंगे। तुम्हारी नेक्स्ट मूवी कब रिलीज हो रही है? हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर, यहाँ थिएटर की स्ट्राइक चल रही है। इसकी यही प्रॉब्लम है। सुनो साइमन तुझे मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं, तेरी माँ मुझे जीने नहीं दे रही। और सेम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ की वजह से मुझे भी कोई चैन नहीं मिल रहा है। आज भी उसने मुझे घर से निकाल दिया, चेकिंग की मशीन हाथ में लेके बैठी रहती है, जैसे ही घर में घुसते तुरंत चेक करती है। साइमन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बाहर से पीकर मत आया करो, हम दोनों साथ बैठकर पिएंगे ना। वाह बाप हो तो ऐसा। हाँ ऐसा ही होना चाहिए। अरे एक पैक बना भाई। साइमन तुम्हारी माँ बहुत मासूम है, बिना उसके बारे में कुछ जाने मैंने उससे शादी कर ली। जब से वो यहाँ आई मैं उसे कोई सुख नहीं दे पाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अरे पिताजी आप चिंता मत कीजिए, ये जो औरतें होती है ना ये ऐसी ही होती हैं, इसलिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अरे चुप कर, तुझे जाकर उस लड़की से मिलना चाहिए। सही कहा अंकल। पापा आप तो जानते हो ना, विजय भाई की तुपा की मूवी जब मैं 22वीं बार देख रहा था तब जब विजय भाई की एंट्री हुई थी एक लड़की कंटिन्यूअसली नॉनस्टॉप शोर मचा रही थी, सीटी बजा रही थी, तालियां बजा रही थी।
मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। सुनो साइमन, मैं बहुत दिन से ये बात सुन रहा हूँ। वो कौन है, कहाँ रहती है, कुछ जानते हो उसके बारे में? ब्रोकर टेरेसा ने बताया था वो लड़की अच्छी है, जाकर मिलो उससे। चाय पियो। मेरी तुमने खुद ही बनाई है क्या चाय? नहीं, मम्मी ने बनाई है। क्या हुआ, अच्छी नहीं है? अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग चाय कभी नहीं पी थी ना। साइमन, मैं आपको याद हूँ क्या? नहीं। पुल्ले मुर्गन की टिकट मैंने आपसे ब्लैक में खरीदी थी, याद आया? ये हुई ना बात, तभी मुझे लगा था कहीं देखा है तुम्हें। अच्छा, श्री वनिता या श्री वशिकता? श्री कुमार। 300 लिए थे उस टिकट के। पुल्ले मुर्गन मूवी के लिए 300 कुछ ज्यादा भी नहीं है। खैर वो जाने दो, तुम विजय सर को पसंद करती हो क्या? विजय सर? हाँ। यानी विजय सेतुपति? शह, क्या बोल रही है। अरे लिटिल ब्रिगेडियर विजय। वैसे साइमन, तुम्हारा जॉब क्या है? वैसे भैरवा मूवी अभी रिलीज ही होने वाली है ना, उस वजह से मैं किसी जॉब पे नहीं जा रहा हूँ। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम विजय सर को पसंद करती हो या नहीं। वो क्या है कि मैं कुछ सच बताऊँ क्या? मुझे सूर्या पसंद है। कौन सा सूर्या? सिंघम सूर्या। ए, क्या हुआ? चुप रहे, कुछ नहीं। वैसे तुम पीएससी एग्जाम देने वाले थे ना? तो जॉब की गारंटी है ना? और क्या? हाँ, गारंटी है। अरे ये तो शिल्वा भाई का फोन है, एक मिनट। हाँ शिल्वा भाई। नमस्ते शिल्वा भाई। शिल्वा भाई क्या कहा? शिल्वा भाई, शिल्वा भाई, शिल्वा भाई। वो कौन है? फिक्स हो गई रिलीज डेट और कब। हाँ क्या कहा सर, क्या कहा? हेलो। हाँ हेलो 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 हेलो। दूध से अभिषेक? दूध से अभिषेक नहीं चाहिए क्या? ए, अच्छा, ये दूध से अभिषेक क्या होता है? बोल रहे हैं रिलीज के दिन दूध का अभिषेक नहीं चाहिए। कौन है वो? शिल्वा भाई। अरे ये बात बोलने वाला शिल्वा कौन होता है? शिल्वा भाई से कहो कि तमिलनाडु में ध्यान दे, यहाँ क्या करना है वो हम देखेंगे। हाँ? विजय भाई की फिल्म का रिलीज दूध के अभिषेक से नहीं होगा तो ऐसा रिलीज नहीं चाहिए। हाँ, नहीं सही है। अरे हाँ। तू शांत हो जा, दो पैकेट दूध का ही तो मैटर है, इसे कर लेंगे यार। अरे इसकी वजह से विजय भाई के साथ हमें फोटो खिंचवाने का मौका नहीं मिला, तो शिल्वा को पकड़ कर मारने का मन करता है। थोड़ा चुप कर। वैसे तुम लोग काम क्या करते हो? ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैं विजय सर फैंस मंडल का सेक्रेटरी हूँ, ट्रेजरर हूँ। मेरा नाम मूसा है, कैब का ड्राइवर मूसा। क्या साहब? ए, सॉल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉल्ट को हिंदी में नमक, नमक, नमक। अबे नमक बोलते हैं कुछ और? हाँ भैया, इसका मतलब नमक ही होता है। नमक इतना क्यों डाला बे? क्या साहब? अरे यार इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला यार। सही कहा भाई, काम करते कहीं और जाके खाते हैं। लेकिन सुनिए भाई, मेरी थाली में तो नमक सही पड़ा है। अच्छा, अरे इसमें बहुत ज्यादा नमक है, दूसरा लेके आ। हाँ लाता हूँ, जल्दी लेकर आओ। तुझे महीने में कितनी तनख्वाह मिलती है? सर मैंने दवाई खाई थी तो नींद आ गई और मैं सो गया। ठीक से काम पे ध्यान दे और तुरंत गेट खोल। गेट खोल। हाँ बोल। अरे मैं तुम्हें कितनी देर से फोन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बता क्या बात है। अरे वो डॉक्टर कौशी ने फोन किया था। हाँ। उसका असिस्टेंट है ना डॉक्टर जोशी, ये सारा उसी का काम है।
हॉस्पिटल के कंप्यूटर से सारी फाइल ले गया है। डाटा सारा उसी के पास है। अगर लीक हो गया तो बहुत बुरा फंसेगा। अब आगे क्या करना है? एक काम कर, उसकी फोटो खींच और मेरे को व्हाट्सएप कर। वहाँ एक होटल बनवाना है और इसके लिए वहाँ की चौल को हटाना होगा। ये काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो भाई। इस बात से परेशान होकर अब खाना खाना मत छोड़ो वरना अल्सर हो जाएगा। तेरे को जो करना है कर। अगर हम एक साथ खाना खाएं तो सुनो, हमारे मालिक इस तरह से खाना नहीं खाते। हमारे मालिक का कॉम्बिनेशन है फास्ट फूड और चिकन लेग पीस। इतना तो हाँ मालिक, आया इसको आज रात यहीं रहने दे। ठीक है, अपना काम नहीं बनेगा। अर्जुन भाई आप जा रहे हो क्या? नशा कम हो जाए तो फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा। अरे तो, सुनो जरा। अरे सुनो, सर के लिए नीचे वो वेट कर रही है। उसका नाम शारदा है। उसको शारदा को ऊपर भेजो ना। पहले तुम इसको खाओ, फिर शारदा के बारे में सोचना। इस उम्र में भी जवानी चढ़ी हुई है। डार्लिंग मालिक, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल आए हुए हैं। आइए। हाँ बोलो सर। इस साल एटी के अच्छे रिजल्ट आए। राहुल का सीएटी रिजल्ट 153 है और प्रिंस का 201। यानी क्या होता? सीएटी मतलब बताया था ना। तूने इसके लिए सारे पैसे ले लिए? नहीं सर, थोड़ा सा बैलेंस है बस। सड़क की टपरी हो या फाइव स्टार होटल का बिजनेस, अर्जुन का बस एक ही उसूल है, जब दूध निकालो पूरा निकालो, कम नहीं पड़ना चाहिए। दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। सही कहा ना? कल पूरा का पूरा पैसा चाहिए मुझे। ठीक। अब आप जाओ। बहुत कम उम्र थी ना सर उसकी। इतनी कम उम्र भी नहीं है, एक जमाने में वो हीरो था। अभी उसकी उम्र 64 साल की तो होगी, फिर भी मानना पड़ेगा न्यू जनरेशन में भी उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? मोटी की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम किसकी बारे में बात कर रहे थे? जो जलकर मर गया उसकी। अरे इसने तो सुबह सुबह नींद खराब कर दी। कौन था सर वो लड़का? इसके बारे में डॉक्टर या पोस्टमार्टम वाले ही बता पाएंगे। वैसे तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों? बस ऐसे ही पूछ रहा था। अपने काम से मतलब रख, चल जूस बना। थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लगा लेता हूँ, ग्रिप मिलेगा। आज तुझे मैं बोल्ड करता हूँ। चला जा। आज तो इसका स्टंप उड़ा कर रहूंगा। रुक जा एक मिनट। अब क्या हुआ? मुझे लाइन ड्रॉ करने दे। अब इसका क्या नाटक है? चल बाजा। जब भी भाग कर आता हूँ रोक देता है। ना बोल मत रे, चल। अरे बाप रे। ए काय का आउट? ए आउट आउट नहीं। अरे मैं आउट नहीं बोल रहा हूँ। ए अंपायर बोलो ना क्या? अरे तू आउट है। बॉल बैट को छू के गई थी। मतलब खेल आपने देखा ही नहीं। साइमन क्यों इस तरह से झूठ बोल रहे हो तुम? चलो साइड में हटो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं ठीक से खेल रहा था। देख उसको कैसे भी आउट करना, समझा ना? तभी अपने को बैटिंग करने को मिलेगी। इसी बॉल पे इसको उड़ा देता हूँ। ये
बैट्समैन समझ नहीं पाए, पता नहीं शायद उनका ध्यान बॉल पे नहीं था या उन्हें बॉल नजर नहीं आई और वो क्लीन बोल्ड हो गए। साइमन, हाँ, यही वो लड़की है जिसकी तलाश थी, वो बंदूक वाली। हाँ सर। अरे यार, ये तो बड़ी सेक्सी दिख रही है। एकदम बर्फी। अरे ये लाइट हाउस के साइड में रहती है, मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन नहीं पटी। अबे कोई भी ट्राई करेगा तो काम नहीं चलेगा। सही कहा, जाओ जाकर कोशिश करो। बंदूक देखो। उस बंदूक की वजह से अभी मेरा हाथ कांप रहा है। जब तूने विजय सर को देखा था तब तूने सीटी बजाई थी ना। क्या मतलब? मैं हूँ स्मॉल ब्रिगेडियर विजय फैंस मंडल का सेक्रेटरी साइमन। कौन है? क्या पूछ रहा हूँ? पता नहीं, विजय का फैन बता रहा है। तुम्हारी वजह से इस तरह की चीप हरकत में तुम्हारा साथ देने यहाँ तक आया हूँ। आप जरा चुप रहेंगे। हैं? क्या कहा? बेकार साइंटिस्ट। हमें यहाँ रोज आना चाहिए डांस देखने के लिए। जरूर आएंगे। वो येलो कलर चूड़ीदार में जो है ना। अब ये बुड्ढा कहाँ से आ गया? चल भाग। ये इस लड़की का बाप होगा। Don't worry, I will manage. Hey man, what are you fellows doing here? What are you doing in my house? Huh? My chain loose, putting inside chain. Fitting. What? What are you talking, man? Between tires, sir. What? Preval, खराब हो गया सर, खराब खराब। Excuse me. I am Sitaraman Iyer, retired from so ISR. What? अरे अपने हाथ पीछे रखो please. Yeah? गेट से हाथ पीछे रखो, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, गेट से पीछे हटो। ठीक हो गया। और ये क्या हो रहा है? साइकिल के साथ क्या नौटंकी कर रहे हो? Everybody, please go, go, go back, go. Take the cycle also and get out. Go. Please go. I don't want to hear. Stupid fellows. Very bad. स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना होगा। उस आदमी ने हमारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। ऐसा तो कुत्तों के साथ भी नहीं करते। अरे बेकार आदमी। या ये जानता नहीं है आई हैव सेंट रॉकेट्स टू द स्पेस। इस आदमी की बेटी जब किसी लड़के के साथ भाग जाएगी ना, तब इस आदमी को मुझे इंग्लिश में रोते हुए एक बार तो जरूर देखना है। उसकी बेटी को भगा कर ले जाने वाले को हम कहाँ ढूंढेंगे? साइमन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ तेरा रिश्ता जोड़ के रहूंगा। सच में अगर मुझे उससे बदला लेना तो ये रास्ता अपनाना ही होगा। वंडरफुल रिवेंज आइडिया। गुड मॉर्निंग। आइए ना। गुड मॉर्निंग सर। चलिए ना जल्दी। आइए। तुमने सुना वो मुझे अंकल कह के पुकार रही? हाँ पे मैं अंकल कह कर ही पुकारेंगी ना। दो दिन से देख रही हूँ ये लड़के तुम्हारे पीछे पड़े। हाँ, सही कहा। अरे तुमने सीटी किसलिए मारी थी? क्योंकि मैं भी विजय की फैन हूँ, आगे भी सीटी बजाऊंगी। सैमन देख, अगली बार जब वो मुड़ के देखेगी ना तो थोड़ी ब्राइट स्माइल देना तू उसको। ओके सर, लेकिन ये तीसरा राउंड चल रहा है, उसने एक बार भी स्माइल नहीं दी। वो देखेगी। रुक रुक रुक, इस पैर को इस तरफ रख, ऐसे कर जैसे वो कर रही है। अरे अब नहीं भाग जाएगा। ठीक है तो तू यहीं रुक, मैं जाकर बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग इस तरह रोज जॉगिंग करती हो क्या? हाँ करते हैं। हम लोग भी इसी तरह भागते हैं ना साइमन। हाँ हाँ ठीक है, जॉगिंग करना अच्छा है। हाँ? बॉडी शेप में। क्या मतलब कहा? रोजाना एक्सरसाइज करने से बॉडी शेप में रहती है। कीप इट अप। अब तुम जाकर बात करो, जाओ बात करो। हेलो, रोज इस तरह भागने के लिए आती हो क्या? आप लोग रोज इसी तरह भागने के लिए आती हो? तुम दोनों एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, चलो अच्छा। हाँ, चलते हैं। चलो लफंगे लिया ना अंकल। अबे तू पूरा गधा है। किसने कहा था जो सवाल मैंने पूछा वही तू पूछे? मैंने सोचा वही सवाल पूछू जो पहले आपने पूछा था। बेवकूफ। बहुत टेंशन हो गया था इसी वजह से, माफ कर देना। सर वैसे इस उम्र में आपको काफी एक्सपीरियंस हो तो मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए ना। एक आइडिया है। हे मैन। हाँ। व्हाट डू यू वांट?
तुम यहाँ क्यों आए हो? इस बच्ची को डांस क्लास में ज्वाइन कराना है। ओ, वहाँ जाकर पूछो। या या या, या। तुम चलो, मैं आती हूँ। लजू जाओ। क्या बात है? जेनी, जेनिफर मेरी बहन है। हाँ तो? इसे डांसर बनना है जी। और उसके लिए अच्छी टीचर की तलाश कर रहा था। अगर इसको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो ये चमकेगी। क्या चमकेगी? फिलहाल एडमिशन फुल हो गए हैं। हे भगवान, ऐसा मत कहिए। ये विजय भाई के साथ एक्टिंग करने वाली लड़कियों में से एक है। अगर आप चाहेंगी तो। प्लीज टीचर, प्लीज प्लीज प्लीज। ओफो, देखा ना बेचारी को। ओके, हफ्ते में 3 दिन क्लास, सिर्फ 2-2 घंटे रहेगी। थैंक यू टीचर। समझ गए आप? नहीं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। फीस कितनी रहेगी? 2,000 रुपीज पर मंथ। वैसे ये भी कमाने का एक अच्छा तरीका है ना? वैसे मुझे जाकर आने के लिए ऐसा कोई खास काम तो नहीं है। चाहो तो मैं 2 घंटे यहीं पर बिता सकता हूँ। यहाँ कोई वेटिंग प्लेस नहीं है। नहीं रुक सकते? नहीं रुक सकते। चलो नहीं रुक सकते तो कोई बात नहीं है ना। खूबसूरत हुई तो क्या हुआ, इतना घमंड दिखाना ठीक नहीं है। नहीं बे, जितनी घमंडी लगती उतनी है नहीं। बगड़िया है वो घमंडी, जैसे उसका पिता घमंडी है। हाँ, आपने सही कहा। एक बात पूछूं, तुम्हारे जैसे आदमी को खूबसूरत और अमीर लड़की की क्या जरूरत है? अरे पैसे और अमीर की बात नहीं है रे। तो फिर उसने विजय भाई को स्क्रीन पर देखकर जो विसल मारी थी ना। हाँ, सही कहा। मैं फिदा हो गया था। अगर इसे विजय के फैंस चाहिए तो नैंसी है ना, वो भी जबरदस्त सिटी मारती है, तो उसके साथ शादी कर लेना। नैंसी से शादी करनी है तो तू कर ले। अरे मेरे प्यारे सर जी, उसे हमारे पास आने का कोई आइडिया बताइए ना। अरे उसका दिल जीतने का एक रास्ता है। कैसा रास्ता? सही रास्ता बताना। वैसे मेरे प्यार के मामले में वो आइडिया कामयाब नहीं हुआ था, पर तुम डरो मत, तुम्हारे मामले में कामयाब होगा। पिलो पिलो पिलो। अरे ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है साहिब, कहाँ से उठा लाया इसे? साबू सर ने गिफ्ट दिया था। साबू? कौन साबू? वो आपके साथ पढ़ते थे साबू सर। मेरे साथ कौन साबू पढ़ता था? साबू। ओ साबू। ओके ओके। वैसे वो एसआई के पास भी एसआई कुत्ता है, लेकिन वो कभी काटता भी नहीं, भौंकता भी नहीं। हम इसका कोई नाम रखते हैं। हाँ। अरे इसका नाम तो पहले से ही है। क्या भाई? अरे छे, ये नाम बिल्कुल अच्छा नहीं है। पुलिस वाले के घर कोई टपोरी नाम अच्छा नहीं लगता। कमॉन कमॉन कमॉन। अरे वाह, सारा दूध पी लिया इसने, तो अब ये खाना भी खिला दो। अरे सुनो, ये कुत्ता चावल नहीं खाता। अरे खाता है ये। अरे नहीं खाता है, ऐसे कुत्तों का खाना अलग होता है और खर्चा भी अलग करना पड़ता है। इसे कुत्ता कहकर मत बुलाइए। अरे कुत्ते को कुत्ता नहीं तो क्या अपना पिताजी बोलूं? अरे कुछ अच्छा नाम रखो ना, इसको मनी या फिर छोटू कह के बुलाएंगे। अरे वाह, क्या नाम रखा है। एक काम करो, अपने पिताजी का नाम रख दो, रघुनाथ। ठीक है। देखिए, अगर कुत्ते में मेरे पापा को घसीटा ना, तो मैं इसे जॉनी कह के बुलाऊंगी। आपके परदादा का नाम है, इसे बहुत सूट करेगा। दस सेकंड हो गए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। हम वेट करते हैं। ठीक है, हम वेट करते हैं। गुड मॉर्निंग बोलना बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाय। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। आज क्लास नहीं है क्या? नहीं, क्लास नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पेट चली गई है। पेट चली गई? अरे भैया समझो ना, इनका डॉगी पेट पेट। ओह, क्या भाई, मुझे लगा था कोई और कुत्ता होगा। वैसे कहाँ चला गया? कल रात से नहीं मिल रहा है। ओहो, लगता है किसी ने चुरा लिया है। ओह, सैड न्यूज। ठीक है, मैं चलती हूँ। जा रही हो क्या? नहीं, मेरा मतलब। अच्छा भैया, हम इनके डॉगी को ढूंढने चले? जरूर ढूंढेंगे। गए नहीं, क्या हुआ? अगर आपके कुत्ते को किसी ने चुरा लिया है तो हम उसे ढूंढ कर निकालेंगे, और मैं 2-3 कुत्ते चोर को जानता हूं, लेकिन आपको हमारे साथ आना होगा। क्या कहा? मतलब सारे कुत्ते एक जैसे होते हैं ना, उसको पहचानने के लिए, इसलिए मैंने बोला। साइमन। यस। जब मेरा डॉगी मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना, वैसे भी मुझे तुम्हारे पीछे घूमना पसंद नहीं।
नौटंकी वाली। जो बुरी आदत दुनिया में किसी में भी नहीं है ना, वो मेरे अंदर है। जो वादा किया है उसे पूरा करता हूं। कल तुम्हारा डॉगी तुम्हारे पास होगा। गुंडे लोग जगह खाली करने की धमकी दे रहे हैं, रात को चैन से सो भी नहीं पाते सर। सर अगर हम ये जगह छोड़ देंगे तो हमारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है सर। जैसा तुम बोल रहे हो वो जगह अर्जुन पिल्ले के नाम पर ही है ना? नहीं सर, वो झूठे कागजात बनाकर उसे इसने अपने नाम पर ही करा कर रखा हुआ है सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई रसीद वगैरह है क्या? नहीं सर। नहीं सर। अगर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं तो बेकार में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सर ऐसा मत बोलिए सर। एक काम कीजिए, आप लोग जाइए, मैं आता हूँ, आकर देखूंगा कि उस जगह पर क्या है और वो किसकी है। बहुत बहुत हिम्मत मत हारिएगा, जाइए। अरे बिंदास खा। एलेक्स, पार्टी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। अपनी पार्टी को संभालने के लिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। जॉन सर की सपोर्ट से हम कुछ वोट अपनी तरफ खींच लेंगे। तुम सोचो पिताजी, मैं आपको इस बारे में कितनी बार समझा चुकी हूँ, जॉब से रिजाइन करके पॉलिटिक्स पर फोकस कीजिए, आज के जमाने में यही ठीक है ना? मेरी बातों पर तो ध्यान ही नहीं देते। लेकिन माँ, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। गुंडागर्दी और फरेबी के अलावा पॉलिटिक्स नहीं चलता है। एलेक्स, अब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था पिताजी, अब खाइए आराम से खाइए। हाँ। क्या बात है, एकदम करेक्ट टाइमिंग है सर। अबे चुप ना। हाँ। अरे आजा, खाना खा ले। नहीं सर, हम लोग यहाँ वेट कर ले। अरे आना, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, हम लोग खा रहे हैं। ए सर बुला रहे तो आजा ना, खाना खा ले तो चलना अंदर। जाओ वहाँ जाकर बैठो, मैं आता। हर वक्त भूखा रहता है, चलना यार। भाई मुझे भूख लग रही है। ए सुनो, क्या क्या मस्त फ्राई था यार। कौन सा फ्राई था? चिकन फ्राई, बहुत टेस्टी होगा ना यार। चाइल्ड मिसिंग केस। मराठी है क्या? इंग्लिश है। एलेक्स, कौन है ये लड़के? अरे अपने ही लड़के हैं। ए माँ, थाली खाली है पिताजी की, और परोस दे जल्दी से। अरे ये सर के पिताजी हैं। हाँ एकदम सर की तरह लग रहे हैं। अभिजू, मेरे पिताजी मेरे जैसे ही लग रहे हैं ना? बिल्कुल एकदम डुप्लीकेट लग रहे हैं। लो मुंह मीठा करो। सर केक क्या मैं खा लूं? अभी मंगवा। सर कुछ पीने के लिए मंगाइए ना। सुनो, कुछ पीने के लिए ले आओ। हाँ। अब मतलब की बात बोलो, वैसे तो तुम लोग आते नहीं हो। सर वो फिल्म रिलीज के कटआउट के बारे में। कौन सा कटआउट? विजय सर का कटआउट। सर जी सुन लीजिए, उस गिल्ली नौशाद से बड़ा कटआउट इस बार हमने रखने का फैसला लिया हुआ है। सर आपको ही मदद करनी होगी, हम तीनों इसलिए आपके पास आए हैं। है? सर हमारी मदद कर दो ना प्लीज। है? अरे कटआउट रखने में मेरी क्या मदद? सर आप जो 15,000 देंगे वो एक तरह की मदद ही तो है ना। क्या 15,000? सर 15,000 आपके लिए बहुत बड़ी रकम थोड़ी है। क्यों, तुमको छोटी लग रही है? ऐसे मांग रहे हो जैसे 500 रुपए मांग रहे हो। इतनी चिल्लर के लिए हम दूसरी जगह जाते, यहाँ क्यों आते? ऐसा सत्य ने कहा वो सच है। क्या कहा? तुम लोग एक नंबर के पागल हो। सर कौन क्या कहता है हमें फर्क नहीं पड़ता। सर हम तीनों को विजय भाई के साथ फोटो खिंचवाना है सर। सर अगर हम ये कटआउट रखेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे, भैरवा के रिलीज के बाद हमें फोटो खिंचवाने का मौका भी मिलेगा। सर हम मुश्किल में है, थोड़ी मदद करो प्लीज सर। ठीक है, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, 10-15 हज़ार का ही मामला है ना, हो जाएगा। थैंक यू सर। सर आपका तो हुलिया ही चेंज हो गया, आप सच में मिनिस्टर बनने वाले हैं क्या? हाँ बन जाऊंगा तो अच्छा ही है ना। सुपर सर, आप बन जाइए, इस शहर में आपका कटआउट विजय भाई से भी बड़ा लगवाएंगे और बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। हाँ, रखेंगे। बस ज्यादा चने के झाड़ पे मत चढ़ो तो फिर वो वैसे तुम्हारा वो काम है ना, हो जाएगा, डोंट वरी। बिंदास सर वो कुछ पीने के लिए। अरे कुछ पीने के लिए मांगा था, अभी तक आया नहीं। हाँ लाती हूँ। चुपचाप ये जगह खाली कर दो, अगर मेरे कहने पे भी खाली नहीं की तो मैं ये जेसीबी चलवा दूंगा, फिर चाहे कोई मरे या जिए। हम लोगों को किराए का पट्टा मिलेगा ऐसा कहा था। दो बेटियों के साथ अब मैं कहाँ जाऊंगी, और कोई जगह भी तो नहीं है हमारे पास। हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते। इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है, चला दो इनके ऊपर जेसीबी। वो गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा दो। चलो भाई सब लोग लेट जाओ। हाँ बोलिए सर। सारा काम ठीक से चल रहा है ना? सर ये लोग नहीं मान रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए वरना लफड़ा हो जाएगा। अरे पागल हो गया क्या, उसी जेसीबी से सबको कुचल डालो। मैं भी देखता हूँ उन भिखारियों को बचाने के लिए कौन आता है वहाँ। अरे क्या कर रहा है, गाड़ी निकालो साइड से। अरे उसको साइड करने के लिए बोल, निकाल साइड से। ए गाड़ी साइड कर। अरे कौन है ये लोग इस तरह से हॉर्न बजा रहे हैं? नहीं बजा क्या हॉर्न? बजा रहा बे, हॉर्न क्यों बजा रहे हो? भोंगा बंद कर बे।
नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, गाड़ी नहीं हटेगी। इसकी ऐसी की तैसी। अबे चुप रे। अरे इधर साइड से निकाल ले यार। अबे तू चल बे साइड में। ये साइड हो। चल चल। अबे देख जा रहा है उस ऑटो को ठोक दे। अबे तेरी। अबे रुक तेरी तो। अरे पूरा सत्यानाश। मार, कट, फोड़ दे इसकी गाड़ी, फोड़ दे। अबे तेरी तो भागता कहाँ है? तेरी तो विजय भाई का पोस्टर तोड़ दिया तूने। तूने हमारे विजय भाई का पोस्टर तोड़ दिया। नौशाद से एक इंच बड़ा कटआउट रखने के बारे में मैंने सोचा था और यही मेरा सपना भी था। अरे तू फिक्र मत कर, अगली फिल्म में हम 10 इंच बड़ा कटआउट लगाएंगे। हाँ, दूध से अभिषेक भी नहीं हुआ और ढोल ताशा भी नहीं है। भाई का पोस्टर भी तो फट गया। क्या हम एक और बनवा सकते हैं? अभी तो कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम लोग बेकार में चिंता मत करो, भले ही कटआउट थोड़ा छोटा हो गया लेकिन तुम लोगों ने जो माला पहनाई वो उनकी माला से बड़ी है। चलो फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे वो नेशनल एंथम हो जाने के बाद जाएंगे। अरे देशभक्ति होनी चाहिए। चलो हम चलते हैं। चलते हैं। ये ले। चल चल। विजय भाई का पैर कट गया ना, इसलिए बहुत दुख हो रहा है। रुको रुको रुको। चलो अब तुम लोग अंदर जाओ। लेकिन सर टिकट। अरे पहले तुम लोग अंदर तो जाओ, नौशाद का नाम लेना। ठीक है। और साइमन, क्या बात है क्या बात है। अरे वाह, तुमने तो बहुत बड़ा हार पहना दिया। लेकिन नौशाद के कटआउट से तुम लोगों का कटआउट थोड़ा सा छोटा है। वैसे इसमें और उसमें क्या फर्क है? हाँ, बहुत बढ़िया। नौशाद हमेशा बढ़िया काम करता है। वैसे सोचा जाए तो मास नाम भी बुरा नहीं है। मास सूर्या की फिल्म का नाम है, जरा संभल के। अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, वैसे मेरे नाम में भी दम है। अरे साइमन, इंस्पेक्टर सत्यनारायण। हाँ, चलो भागो। अरे ये लोग क्यों भाग रहे हैं? हमें किस बात का डर? हम लोग एक बार विजय सर का नारा लगाते हैं। विजय सर की जय। तू भी बोलना, विजय भाई की जय। विजय तेरी और तेरे उस विजय भाई की। सब चल गाड़ी में बैठ। क्या किया उसने? क्या किया है? पुलिस स्टेशन में बताता हूँ। तेरी क्या आरती उतारनी पड़ेगी। चल अभी गाड़ी में। चल चल सर, हमने कुछ नहीं किया। की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। ए हीरो बैठ, रात में सनग्लासेस पहन के रखे। सर छोड़ो ना सर, ये फैंस लोगों का काम है। बहुत पिटाई की है ना मालिक? अबे चल दूर हट। अरे आप खामोखा डॉक्टर पे गुस्सा हो रहे हैं, आखिर ये तो आपका इलाज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से लंग्स और किडनी में जरूर चोट लगी होगी। चुप हो जा बे। अरे बाप रे, वो लोग कहाँ मिलेंगे? मुझे उन्हें अभी के अभी मारना है। मालिक अभी हम लोग उन्हें मार सकते हैं क्या? अबे चुप बे। माहौल के हिसाब से इस मामले को लेकर ज्यादा परेशान मत हो। इलेक्शन का टाइम है, सेक्शन बहुत गर्म है, भूल जाओ उनको। बाद में हम लोग देख लेंगे। क्या है बे? हम उन्हें पकड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मालिक। सर आपने बेकार में साइमन को क्यों मारा? नौशाद को भी मारा सर। देखो इन लोगों ने अर्जुन भाई के छोटे भाई को मारा है, उसके सिर पर काफी चोट लगी है। अगर मैं इन्हें नहीं उठा लाता तो वो लोग इन्हें उठा ले गए होते। उन्हें यहाँ आने तो दो।
तब हमारा पावर पता चलेगा। ए, मुंह बंद कर, अपना बकवास करता है। अरे मधु, किसी ने मुंह खोला क्या? मैं आता हूँ। तेरी तो ये सब क्या लगा रखा है? ऐसे सेंटिमेंटल बातें मत कीजिए, हम फैन से ये बर्दाश्त नहीं होता। खाल उधेड़ दूंगा सबकी। तो ऐसा करो, दो दिन यहीं पड़े रहो। सर इसको छोड़िएगा नहीं। मुझे पता है क्या करना है, तुम जाओ अभी जाओ। मैं कह रहा हूँ सच बताओ। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। अबे जल्दी बता, नहीं तो मार दूंगा। अबे तेरी तो पुलिस पे हाथ उठाता है। पकड़ सर, वो आज झूठ बोल रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, छोड़ो मुझे। सर ये मुंह खोल ही नहीं रहा। मैंने कुछ नहीं किया, ये बेकार पकड़ लिया। चुप रहे सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कुछ कहने के लिए बोल रहा हूँ। तू ज्यादा चर्बी चढ़ रही है, अभी उतारता हूँ तेरी। चल ले जा अंदर, मैं तुझे बताता हूँ। चल सत्या। सर क्या देख रहा था? वेब सीरीज देख रहा था। हाँ सर। नहीं सर, पूछ रहा हूँ ना। नहीं सर, क्या है कि इन लोगों को पकड़ कर यहाँ क्यों लाए? सर इन लोगों ने अर्जुन भाई के लोगों को, अर्जुन साहब मेरा दिमाग नहीं खराब करना। सर उन लोगों को काफी चोट आई। कोई शरीफ आदमी नहीं है जिससे चोट लगी है, फुल टाइम ड्रग्स का धंधा करता है। मैं शामिल तो आप भी। क्या कहा? नहीं सर कुछ नहीं सर। तुम लोगों ने उसे मारा ना, चलो जाओ। इसका मतलब नौशाद भी जा सकते हैं? हाँ जाओ जाओ। हाँ मैं कभी कभार ही पुलिस स्टेशन आता हूँ, मेरा मूड क्यों खराब करते हो? इसकी तुम है, ये सबको ले डूबेगा। कभी तेरे नीचे बम फूटेगा ना, तब पता चलेगा। उस आदमी का नाम ACPKF। हाँ। इन शब्दों से शुरू होता है ना? नाम है एलेक्स जे। अच्छे, अरे आपने नाम क्यों बताया? उसका नाम पता करने में तो थ्रिल था। सॉरी। इसका मतलब कि वो एक क्रिश्चियन है। हाँ। अगर वो क्रिश्चियन है तो मैं यहाँ से एक बकेट और ग्लास देता हूँ। बकेट ग्लास किस लिए? हाँ उस बकेट में थोड़ा सा पानी भर सकते हो क्या? अगर वो उस बकेट का पानी दिन भर पिएगा तो उसका दिल बदल जाएगा। दिल बदलने की जरूरत नहीं है, उसे खून की उल्टी करवा दो। परेशान होने की क्या बात है, चर्च जाकर 3 हफ्ते मोमबत्ती जलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाते समय रास्ते में मोमबत्ती लेकर जाएंगे। सर नमस्ते। सर नमस्ते। अरे साइमन, ये तो यहाँ से जल्दी आओ। अरे आओ ना जल्दी सर, हम अंदर जाते हैं। जी सर यहाँ कैसे? मैं बस ऐसे ही बाबा को अपनी कुंडली दिखाने आया था। वो क्या है कि रियल एस्टेट का मामला है ना, तो थोड़ा जी। वैसे तुम यहाँ कैसे? इसका समय कैसा चल रहा है, बस वो दिखाने आए हैं। अरे इसके वक्त के बारे में इसका चेहरा ही बता रहा है। और वैसे भी ये तो विजय का बहुत बड़ा फैन है। है ना? अरे हाँ सुनो ना, हम लोग यहाँ मिले हैं, ये CI को मत बताओ जी। अरे तुम यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना? ठीक हो। इसे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए और इसकी शादी भी हो जाए, तभी इसको जिम्मेदारी का एहसास होगा। इसकी कुंडली में कुछ तो दोष है, स्वामी जी आप कुछ कीजिए ना। बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। अपना दाहिना हाथ एक गोले पर रखो। किस पर रखूं? उस काले गोले पर। जोर से मत दबाना, फूट जाएगा। अरे ये ओरिजिनल है क्या? नहीं सर, ये तो फोटोशॉप है, देखने से ही पता चलता है। फोटोशॉप नहीं है भाई साहब, ओरिजिनल है। हाँ? इस ज्योतिष को पद्मश्री मिला है ना? पद्मश्री बाबा जी की बीवी का नाम है। बस हो गया, हटाओ हाथ। पिछले 6 महीने तक तुम्हारा वक्त ठीक चल रहा था और आगे का समय बहुत बुरा गुजरने वाला है। पिछले 6 महीने तक मेरे लिए गुड टाइम था? जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक समझो हमारा समय ठीक है, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में घटनाएं घटना शुरू हो सकती हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी जिंदगी बचना मुश्किल है।
एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस मोबाइल से नहीं, घटना घट जाने के बाद बाकी का सारा काम सुधर जाएगा। मुझे दिख रही है तुम्हारी जन्म कुंडली, मौत। अरे उस सामान को बाहर किसने रखा था? ठीक है, मैं बादू फोन करता हूँ। क्या हुआ रे? सुने हुई बात सही है? जहाँ हादसा हुआ था वहाँ आईपैड मिला है। कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए करके मैंने उसको जला डाला। अभी तुम लोग बोल रहे हो कि उसका आईपैड नहीं जला है। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। वैसे तुम्हारी तो उस आईपैड के जरिए अगर मैं अटक गया ना तो देखना तुम लोग का क्या असर करता हूँ मैं। अरे वो आईपैड एशू के पास। एशू कौन है बे? अरे वो अपने थाने का कांस्टेबल एशू। आईपैड उसके पास क्यों है? उसके पास कैसे पहुंचा पता नहीं। पूरे प्लान की माँ बहन कर दिया। अरे वाह, तुम्हें देख कर तो मेरा जी बचल जाता है। तुम आज भी इतनी खूबसूरत हो। बच्चे बड़े हो गए, मैं क्या कुछ तो शर्म करो। बच्चे बड़े हो गए तो क्या गाना भी ना गाऊं? हैं? हो चंदा लेने आए हो? हम यहाँ चंदा लेने नहीं, आईपैड लेने के लिए आए। चल रास्ता छोड़। आईपैड? कौन सा आईपैड? चुप, ज्यादा सवाल मत कर। अगर तू अंदर चला गया तो समझ लेना कि बात और भी बिगड़ जाएगी। चला अब आईपैड दे। क्या? मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरे घर में घुसकर बतमीजी कर रहे हो? क्या हुआ? कौन है ये? तुम अंदर जाओ, बोला ना अंदर जाओ। तुम लोग ऐसे नहीं मरोगे, तेरी तो। चलो निकलो यहाँ से। घर के अंदर घुसा तो समझ लेना। आईपैड दे दे, हम चुपचाप चले जाएंगे। क्या हुआ पापा? ये लोग किसी आईपैड के बारे में पूछ रहे हैं। आईपैड? आईपैड देता है कि मैं तुझे लड़ने के मूड में है क्या? मार, मैं भी आता हूँ। अरे इधर आइए, अब कहाँ चले आप? अरे मुझे भी फाइट करनी है। आप मत लड़ो, चुपचाप खड़े होके देखो। घर का पिलर तोड़ दिया। हम नया पिलर खड़ा कर देंगे। आएंगे तो मुझे बताना। ठीक है माँ, पीने के लिए कुछ लेके रहो। हाँ, मैं दूध लेके आती हूँ। जो मन में आए लाओ, लेकिन लाओ। कौन थे वो लोग पापा? कौन थे वो लोग? किसी आईपैड की बात कर रहे थे। आईपैड क्या होता है? आईपैड गाना सुनने वाली चीज है। ये तो बहुत सारे गुंडे थे, क्या बात हो गई? लगता है पापा ने उनका आईपैड चुरा लिया है। ये लीजिए आपका आईपैड, उस दिन मैंने आपके बैग से निकाला था। माफ कीजिए सर। अबे तेरी तो, आगे से मेरे घर पे कभी आना मत। अब निकल यहाँ से। चल माफ कर यार। अबे बोलो ना, जाओ
माफ कर दे यार। ए जब माफ कर दीजिए सर, ये लीजिए आपका आईपैड, मैं चलता हूं। बास्टिन क्या हुआ? बास्टिन की अच्छे से पिटाई करके भेज दिया। वो दाढ़ी वाला ही बास्टिन है ना, उससे कहना कि वो ब्लैक कोट खरीद ले, वरना अगली बार सूप बना कर नहीं छोड़ दूंगा। तू कौन है? तू कौन है बे? अबे सुन, बहुत शराफत के साथ मैं तेरे साथ ये डील कर रहा हूँ, इनकार करने की गलती मत करना, नहीं तो तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। I am waiting. I am waiting. और ये हमें वेट करा रहा है। सब कुछ ठीक है? चोट कैसे लगी? बस यही पूछ रहा था। वो बंद रख, समझा क्या? अबे चुपचाप निकल जा और संभाल अपने आप को। अरे इससे क्यों पूछ रहा है कि तुम कैसे हो? तुझे दिखता नहीं कि साइमन ने इसकी पिटाई की थी? इस गधे ने आईपैड चुराया था, इसीलिए ये लफड़ा हुआ। अरे मुझे थोड़ी मालूम था इतना बड़ा लफड़ा होगा। चलो अब जाने दो, छे सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। ए गाड़ी से हाथ हटा, गाड़ी पे ऐसे लदा जैसे तेरे बाप की हो। चला, मालिक बुला रहे हैं। इसे लैपटॉप में लगाओ। सर अनजाने में ऐसा हो गया। इसको एक बड़ी बीमारी है, जो चीज इसे पसंद आती है उसे ये चुरा लेता है। इसको माफ कर दीजिए सर। हाँ सर, इसी वजह से गलती हो गई थी, माफ कीजिए। अबे हुआ क्या? चेक कर रहा हूँ सर। अबे जल्दी करना, ओपन हो रहा है सर। क्या ये? अरे बंद कर, गाना बंद कर। सर सर, इसके अंदर विजय सर के बहुत सारे गाने हैं, इसलिए डिलीट नहीं किया। मालिक, ये लोग वही हैं जो इंदर के साथ उस दिन मारपीट कर रहे थे। हाँ सर, इसमें विजय सर के बहुत सारे गाने हैं। मैंने नहीं डाले, इसने। डॉक्यूमेंट्स तो सारे हैं सर। अरे वाह, बच गए। सॉरी मालिक। तेरा नाम क्या है बे? साइमन। पोकिरी साइमन। अच्छा, विजय का पंखा है ना? हाँ। इधर उधर भटकने के बाद आखिर मेरी चौकट पे आना पड़ा ना। सुन, अगर हमारे साथ ठीक से रहेगा तो सही सलामत रहेगा, वरना बचेगा नहीं। ठीक है सर, बाहर जाओ। सर, इस बात को लेकर आगे कुछ मत कीजिएगा। साइमन ने पुलिस में भर्ती का एग्जाम दिया है। अभी जाओ। ओह शुक्रिया सर। मामला निपट गया। अरे वो अर्जुन नाम क्या था? जो पीटा था वो कौन था? फिर हमने जिसे मारा था वो कौन था? बास्टिन। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जिसने हमारा कटआउट तोड़ा। अरे वो इंदर है, अर्जुन का छोटा भाई। अरे ये अर्जुन, इंदर, ये कोई रामायण है क्या? अबे रामायण नहीं, महाभारत है। अरे कुछ भी हो, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने किसी तरह मामला सुलझा दिया, आगे से ऐसा कुछ मत करना। पापा आपको उसके सामने माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। कितने लोगों की सिफारिश लगाकर मैंने मामला सुलझाया है। ऐसा क्या किया आपने? अरे तू चुप रहे। तेरी वजह से सारा मामला उलझा था। सॉरी सर। मैंने किसी तरह सुलझा दिया, आगे से घर से बाहर मत निकलना। मैं? अरे तू चुप रहे, घर पर रहो, माँ की मदद करो, समझे? टिंकर,
थोड़ा जल्दी हाथ चला, मछली भी साफ करके देनी है। मैं? हाँ तुम्हें ही, और क्या काम है तुम्हें? मुझे मछली साफ करना नहीं आता। मछली साफ करने में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, बीवी काम पे चली जाएगी, तब तो घर के सारे काम तुम्हें ही करने हैं। मछली का सालन बनाने के लिए सरकार को बैन कर देना चाहिए। अरे आज तुम्हारा क्लास नहीं है, क्या हो गया इसे? हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ किचन में काम कर रहा हूँ और माँ मुझसे मछली साफ करा रही है। कितना मुश्किल काम है। अरे तुम यहीं पे हो फिर भी फोन कर रही हो? हाँ आज तुम्हारी क्लास नहीं है, ऐसे क्यों कर रही हो? कल से तुम्हें मेरे साथ कॉलेज चलना होगा, कोई परेशानी है मुझे? अरे चुप रहो, कल ना मैं बहुत ही बिजी हूँ। अब तुम जाओ और ड्रेस चेंज करके आओ और ये मछली भी साफ कर दो। सच बताओ मुझे, आओगे या नहीं? कल तो हरगिज नहीं हो सकता, कल मैं बहुत बिजी। ठीक है मत आना, मैं अपने मामले खुद ही निपटा लूंगी। ये हुई ना बात, मछली को बिल्ली ना खा जाए, जरा ध्यान रखना। क्या हो गया है तुम्हें, जब से आई हो उदास बैठी हो? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो बात है, क्या बात है बताओ। ए यहीं पे रुक। ए बता, बोल रहा हूं ना बता, इसके अंदर क्या कमी है बे? पैसे वाला भी है और अच्छा खासा हैंडसम भी है, और तुझे क्या चाहिए है? बता है? ए इधर आ। आज तुम बचकर कहां जाती हो मैं भी देखता हूँ। चुपचाप मेरा कहना मान लो तो ठीक रहेगा। तुम्हें इसके साथ प्यार करने के लिए नहीं कह रहा, जब ये बुलाएगा तब जाना, जो कहेगा वो करना, बस इतना ही। इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। कल तक तुम मुझे अपना फैसला सुना देना, नहीं तो ये रॉकी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर एसिड फेंक कर जला देगा। सुन लिया ना? ओहो एसिड फेंकेगा, ऐसा बोल रहा था क्या? साइमन ये कॉलेज है, जो भी मामला है कोशिश करना बातों से निपट जाए। उतना काफी नहीं है, अगर कुछ ज्यादा करेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। साइमन को कॉलेज में लफड़ा किए बहुत दिन हो गए, लेकिन आज कुछ नया करके दिखाना है। चला जा। ए, रुक, चल जा, इसे फिल्म दिखाने के लिए ले जा, और जूस भी खरीद कर देना। कोने की सीट में बैठकर इसके साथ खूब एंजॉय कर, जब तक तेरा जी ना भर जाए। अरे रुक रुक, कहाँ जा रही है? ए, रुक, कहाँ जा रही है बता। मैं चलता हूं। हम जहां आए हैं ये बढ़िया जगह है, कमाल करके दिखाना है। सबको बुला, बुला सबको, जो भी भाई है यहाँ आकर दिखाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबके लिए परेशानी बढ़ जाएगी, तुम्हारे पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। बीजू मदा बीजू, अबे तेरी शांति से नहीं नाम रॉकी है ना, तुम में से किसने बोला था एसिड फेंकेगा? हाँ लड़कियों को चैन से नहीं जीने देंगे, इतने बड़े दादा हो गए क्या?
अबे रुक नहीं तेरी तो रुक बोतल अबे चिल्ला क्यों रहा है ये तो आइस वाटर है अगर दोबारा लड़कियों को परेशान करोगे ना तो सच में एसिड डालकर जला दूंगा चल जा यहाँ कोई तमाशा हो रहा है चलो निकलो अबे निकलना इसके बाइक की तो तुम सब यहाँ पढ़ने आते हो ना दोबारा इन लड़कियों के साथ कोई गलत हरकत की ना तो आप उनके एरिया में आकर पूछना बीजू कौन है सबको जिंदा जलाकर राख कर दूंगा अगर एक बार मैंने फैसला किया ना पूरे कॉलेज को शमशान बना दूंगा समझ में आ गया याद रखना ए तो चल कब से बोल रहा हूँ गाड़ी चालू कर सुन नहीं रहा है अब जल्दी आना अच्छा हुआ उस कॉलेज के लड़कों ने हमें मारा नहीं सुनना जिस बाइक को मैंने लात मारी थी उसमें कुछ टूटा तो नहीं होगा ना टूटना भी चाहिए इसीलिए मैंने लात मारी वैसे तुझे क्या हुआ कुछ भी तो नहीं फिर तू इस तरह से खामोश क्यों है अरे बीजू पोकिरी साइमन मैं हूं ना हाँ कितनी कोशिश करके उस डायलॉग को याद रखा था लेकिन तूने बोलने का मौका नहीं दिया तो मैंने कहां रोका तुझे गलत किया बीजू तूने बहुत गलत किया लेकिन यार मैंने इस बारे में सोचा नहीं गुस्सा आ गया था मुझे नहीं मैं बहुत दुखी हूँ यू नो ये सी एंड शिप यानी समुद्र और जहाज ये दोनों मेरी कमजोरियां हैं एक बार जब सेंट लूसिया समुद्र में फंस गया था तो उसे ठीक करने के लिए मैंने क्या नहीं किया वैसे ये सेंट लूस कौन है सेंट लूस नहीं सेंट लूसिया ये मेरी शिप का नाम है शिप यानी कि जहाज मेरे जहाज का नाम है हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो दीपा इस बारे में मुझे भी तो बताना चाहिए था ना तुम्हें बताने की क्या जरूरत है तुमसे जितना कह रहे हैं उतना करो चाय दो जाकर नहीं मैं नहीं जाऊंगी अरे तुमसे शादी करने के लिए नहीं कह रहे हैं ना चाय दो दे सकती हो ना चलो अब दिस इज श्रीदेवी माय बेटर हाफ चाय पीजिए हे रावड़ी 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 मेरा पेट रावड़ी काटता नहीं है पिताजी ये चाय अरे ये तो कुत्ता है ये नहीं पूछा चाय किसने लाके दी ओ वैसे आपकी बेटी हे कम यर बॉय रावड़ी वैसे आपकी बेटी आपकी बेटी कहाँ है दीपा आ जा मुंह क्यों लटका रखा है बेटी कोई टेंशन है क्या मैं टेंशन नहीं ले रही हूं मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी हाँ प्रैक्टिस डांस प्रैक्टिस कहां तक पढ़ाई की हो बेटी ऑल साइंस कह रहे थे कुछ जरूरी बात करनी है जल्दी बता दो ना मुझे बैटिंग करनी है मुझे देखने लड़के वाले आए थे मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं क्या करना है कम से कम ये बात बताने का तुम्हारा दिल तो किया अब उसको जाकर मैं वार्निंग दे दूंगा ओके खुश हो ना ओके 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 है ना ओके अरे तुम आउट है मैं आउट नहीं हूँ जा चल चल मैं जा बोला ना क्या कर रहा है खेलना है क्या कर रहा है चल मैं स्टंप लेकर जा रहा हूँ ये हमेशा ऐसे मुझे आउट करने भैया पुली तो अभी नहीं आया अरे शेर आएगा तुम बस देखो अरे वो देखो पुली आने वाला सुनो बच्चों को जरा लेमन जूस बना कर देना सब लोग यहाँ से उठो जब देखो यहाँ आकर बैठ जाते हैं जाओ जाकर पढ़ाई करो चलो
नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मी से शिकायत कर दूंगा। ऐसे नहीं सुनोगे ना मेरी बात। चलो अच्छा जाओ जाओ तुम लोग जाओ। ठीक है बाय बाय। चलो निकलो। बाद में देख लेना। चल 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 बाद में देख लेना तुम लोग। हां चल बाय। देखने ही नहीं आता है। एक बार में समझ नहीं आता है। जब देखो बच्चों को लेकर टीवी देख रहे थे। मैं अभी आता हूं। सारा मूड खराब कर दिया इसने। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों कर रही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ा सा पानी भर कर रखना। पाइप में पानी नहीं आ रहा था। कैसे भरता? शांत हो जाओ तुम। तुम बहुत गुस्से में हो अभी। पहले तुम शांत हो जाओ। आओ साथ में बैठकर मूवी देखते हैं। डॉक्टर ने कहा है ना ऑपरेशन से पहले ज्यादा टीवी मत दिखाओ। फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? और मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ ना कि ज्यादा टीवी मत देखा करो, नहीं तो अंधी हो जाओ। चुप। बेटा तुम जाओ उधर। जिस दिन मैं घर में रहता हूँ उस दिन पक्का तुम मुझसे झगड़ा करती हो। तुम तो फिर मैं और क्या बोलूं? क्या हुआ बेटी? पापा आप सिगरेट पीते हो? नहीं मैं नहीं पीता। मैंने देखा। अरे मेरी प्यारी बच्ची मैं नहीं पीता। क्या बात है, खाना नहीं खाया? आंखों के ऑपरेशन के बाद फिर क्या मैं कभी नहीं देख पाऊंगी पापा? ऐसा नहीं है, तेरी माँ पागल है इसलिए कुछ भी बोलती रहती है। चुन्नू की माँ भी कह रही थी। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। पापा मेरे ऑपरेशन से पहले क्या विजय सर से मैं मिल सकती हूँ पापा? नहीं, तुमको अपने पापा पे भरोसा है ना? ठीक है, तुम चिंता मत करो। हाँ क्या बात है, कैब चलाने नहीं गया? जाने ही वाला था। ए जेनिफर, चलो चलते हैं। आ जाओ जाओ, अब डांस क्लास में जाओ। अच्छे से डांस करना। पापा को चुमा दो। अब पापा को लें दो। सुनो आइसक्रीम खा लेना। अरे सुनो रास्ते में इसको आइसक्रीम खिलाना। अबे ये बताने की जरूरत है क्या? पता है पता है। और हाँ आते समय रास्ते में दूध का पैकेट लेकर आना। ना लाने का मेरे पास बजट नहीं है। अरे जो भी है लेकर आना, मेरे पास भी फूटी कौड़ी नहीं है। संभाल के जाना, अच्छे से डांस सीखना और आकर मम्मी को सिखाना डांस। व्हाट डू यू वांट? नहीं दरअसल इसको डांस क्लास। डांस क्लास वगैरह सब खत्म हो चुका है, फिनिश्ड। आगे से सड़क साफ, लोग इधर नहीं आने का, समझे कि नहीं? देखिए बात यह है कि ए, तेरे और मेरी बेटी के बीच में जो रिश्ता है ना, वो जानने के बाद ही मैंने फैसला लिया है। यू शुड नेवर मीट हर अगेन एवर, अंडरस्टैंड? सर क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? ए मिस्टर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? छोटी मोटी नौकरी तक तो नहीं है। सुन, मेरे गेट पे जो सिक्योरिटी वाला खड़ा है ना, उसे जितनी तनख्वाह मैं देता हूँ उतनी तनख्वाह भी तेरे बाप की है क्या? मेरे आउटहाउस के घर बराबर भी तेरा घर है क्या? सो जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस और आई विल कॉल द पुलिस। ओके गो। आइसक्रीम खाओ ना। लगता है टीचर से तुम्हारी शादी नहीं होगी। अगर ऐसे ही रहा फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। पहले मुझे पढ़ाई पूरी करके नौकरी हासिल करनी है, फिर देखते हैं। हेलो, तुम अभी कहाँ? मैं अभी मेरे एरिया में हूँ। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। कौन है? टीचर। तुम यहाँ से सीधे घर चली जाना, मैं अभी आता हूँ। ऑल द बेस्ट। ये किस लिए? ऐसे ही भैया। हाँ चलो, मूवी का कोई डायलॉग बोल के दिखाओ।
डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। हाँ। लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, अरे नामुमकिन है दुनिया वालों। क्या बात है, चलो ठीक है फिर मिलते हैं। बाय बाय बाय, संभल के जाना। अरे सोमू, तुम आज स्कूल नहीं गए क्या? साइमन, हमें भागकर शादी करनी पड़ेगी, घर वाले नहीं मानेंगे। अभी इसकी जरूरत है? वैसे हम साथ में एक चाय पी सकते हैं, पैसे तो तुम्हारे पास होंगे ना? हाँ, सब कुछ चला गया है, मेरी इज्जत मेरी शौहरत सब चली गई। आप उसे चैन से रहने नहीं देते, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। लड़की को पालने की जिम्मेदारी उसकी माँ की होती, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? इट इज बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। तुम अंदर जाओ। सर जी, मेरे घर में सिक्योरिटी तो नहीं है, और मेरे पापा एक नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल हैं। ये बात जाने के बाद भी ये मेरे साथ चलने के लिए राजी है। एक लड़की के घर छोड़कर जाने के बाद घर वालों पर क्या गुजरती है मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी एक बहन है। पहले मैं कोई काम ढूंढूंगा, फिर अपने पापा को यहाँ पर भेज दूंगा, फिर आप अपना फैसला सुनाइए। वैसे सर एक मिनट, सर वैसे मैं तो एक आम नागरिक हूँ, तो इसे एक मामूली वार्निंग मत समझना, बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। फिर भी सर, इसकी शादी कहीं और करवाने की आपने जुर्रत भी की ना, तो आपकी बेटी को उठा ले जाऊंगा। तो आप मेरी बात ठीक से समझ गए ना? वैसे सर, आप सिक्योरिटी को कितनी सैलरी देते हो? आप 12,000 देता हूँ। और मेरे पापा पूरी 35,000 तनख्वाह पाते हैं। अरे इतना बड़ा बेवकूफ पूरी दुनिया में नहीं देखा। इतनी अच्छी लड़की ना तुझे कहीं नहीं मिलेगी, अखबार में क्या ढूंढ रहा है? काम ढूंढने के चक्कर में लगाऊं, लेकिन वो भी चैन से ढूंढने नहीं देते। अखबार में नहीं मिलेगी नौकरी, इतनी गर्मी के मौसम में दो दो शर्टें पहन के घूम रहे हो, फिर भी इतनी अच्छी लड़की ने तुम जैसे को पसंद किया। आपकी तरह आपका लड़का भी बेवकूफ है। अरे वो बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तो मैं हूँ, मैंने तुमसे शादी की ना, यही मेरी गलती है। ये हुई ना बात। क्या कहा, क्या तमाशा देख रही है बैठकर, जा अंदर जा। अरे अब मैंने क्या कर दिया? तू बीच में बिल्कुल मत बोल, चल अंदर जा। अच्छा वो लड़की नहीं आई, ये लोग हमेशा नाटक ही करते रहते हैं, इन्हें तो किसी सीरियल में होना चाहिए। हाँ, तू जाके सीरियल में काम कर ले। अरे सर आज आप लोग सीरियल नहीं देख रहे हैं? और माँ? अरे गणेश सब ऐसे क्यों बैठे हैं? अरे तू इतना उदास क्यों बैठा है? माँ से कहो चैनल बदलने के लिए। इसका मतलब तू कुछ नहीं जानता? अरे वो लड़की है ना दीपा, हा? जिससे ये प्यार करता है, हा? वो लड़की अपना घर छोड़ के इसके पास चली आई और ये उसे जाके उसके घर छोड़ा आया। लक्ष्मी बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, अब कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। चलिया मुंह बंद करो अपना। घर में सब लोग चैन छीनने के लिए बैठे हैं, कोई शांति से बैठने नहीं देता। अरे अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पहले जाके दो पैग मारते हैं यार। अरे पहले जेनी को घर छोड़ते हैं। मैंने तो पहले ही घर छोड़ दिया यार। क्या इसका मतलब जेनी यहाँ नहीं है? नहीं वो तो यहाँ नहीं है। अरे लेकिन तू ही तो डांस क्लास लेकर गया था ना। मैंने तो यहाँ लाकर छोड़ दिया था। कहाँ छोड़ा था? अरे अभी तो घर पे ही होगी। अरे वो घर पर नहीं है, मैं उसे ही लेने आया हूँ इधर। वो घर पर नहीं है? अरे यार वो घर पर नहीं है। ¶¶
साइमन सुनो, हा? वो लड़की को घर वापस छोड़ा है क्या? हा? तुमने बहुत मेहनत की है, उसे कभी मत छोड़ना। वो बहुत अच्छा डांस करती है। हा? वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। अरे तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो क्या? नहीं कुछ नहीं। अरे जेनी कहाँ है? जेनी, जेनी घर पर है। अरे तू जरा इधर आना। अरे इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? अरे साइमन, मेरी बच्ची कहाँ है? अरे तूने उसे कहाँ छोड़ा है? अरे बच्ची यहीं कहीं होगी, मैं देखता हूँ ना। तू चिंता मत कर। ए बेटा, जेनी को देखा? नहीं, हमने तो उसे नहीं देखा। चाची, जेनी यहाँ आई थी? नहीं, जेनी तो यहाँ नहीं आई। क्या बात है सेवन? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। हेलो हेलो, यार अरे इस बारे में यशुदास जानता है क्या? हाँ ठीक है, क्या करें। अरे तू उस बच्ची को कहाँ छोड़कर आया था? वो कितनी छोटी है और तू कह रहा है कि तू उसे वहां छोड़कर कहीं निकल गया था? ऐसा क्यों किया तूने? तुझे उसे घर ले जाकर छोड़कर आना चाहिए था ना। सर मैंने यहां तक लाकर छोड़ा था। हाँ अब सुन, ज्यादा परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कैसे भी करके हमें उसे ढूंढना ही होगा ना। सर सीए को फोन करके देखते हैं। किया था, उनके ससुर जी का देहांत हो गया। वैसे जेनी का फोटो है ना तुम्हारे पास? हाँ है। तो उसे हमारे फैन सर्कल्स में शेयर कर दो। हाँ, ना ये ठीक। हाँ। है। अरे गणेश तू डर मत, हम सब है ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। तू अभी घर पर जा, घर पर जया अकेली है ना। हाँ और सुन गणेश, अभी उसको तू कुछ मत बताना वरना वो डर जाएगी। क्यों रे, तो बच्ची को छोड़कर कहाँ चला गया था? मैंने बताया ना सर, उस बच्ची को मैंने उसके घर के सामने ही छोड़कर। तो फिर बच्ची अभी कहाँ है, बोलना। बच्ची के साथ क्या किया तूने? सर ऐसे हालात में तो आप पुलिस से बर्ताव मत दिखाओ ना। सर हम सब लोग भी परेशान हैं। नहीं सर, मैं ऐसे ही धमका रहा था। हम बच्ची को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आप भी कोशिश करते रहिए। अच्छा सर, एसआई ने क्या कहा? अरे उसकी बात पे गौर करने की जरूरत नहीं है। वैसे हम लोग आपके साथ हैं सर। पक्का? जरा फोन निकाल और जितना हो सके ना उतना शेयर कर। ए, साइमन तू चिंता मत कर, सीए ने अभी फोन किया है और वो लोग भी उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तू एक काम कर, गणेश वहां अकेला है तो तू वहां चला जा। जा। हेलो हेलो, कुछ पता चला क्या? अरे चिंता मत कर, अपने लड़के और पुलिस सभी मिलकर उसको ढूंढ रहे हैं। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है, और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं आ रहा हूं वहां पर। हाँ
हाँ ठीक है। ये बच्ची तू कहां से उठा लाई? मैं पूछ रहा हूँ ये बच्ची कहां से लाई तू? बता। मुझे नहीं पता, उधर उन्होंने इससे मुझे दिया। अबे वो बच्ची कहां से लाया तू? अबे चल, अबे रुक रुक रुक। ए जल्दी आओ, मुर्गन भाई के साथ कोई झगड़ा कर रहा है, जल्दी आओ ना। तेरी तो हेलो। हेलो सर। अरे हाँ, मैंने फोन किया है, वो लोग हर जगह ढूंढ रहे हैं। तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बच्ची मिल जाएगी। वैसे साइमन है क्या माँ? हाँ साइमन है ना, यहीं पे है। ठीक है, उससे बात करो। मैं अभी बात करवाता हूँ। हाँ ए साइमन। हाँ ले, सी ए सर का फोन है। हेलो साइमन, टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, समझा? हाँ सारा इंतजाम कर दिया है। वैसे गणेश कहाँ है? वो घर पर है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं यही कोई 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है सर।
क्या बोल रहे थे? कह रहे थे कि वो यहाँ आने वाले हैं। ये बच्चे मिसिंग का जो केस है ये बहुत ही मामूली सी बात है। पिछले साल हमारे स्टेट में 6000 बच्चे अगवा किए गए थे और तो और अपने ही शहर में 1500 बच्चे गायब हुए थे। कुछ केस में तो लोकल लोगों की वजह से पहचान कर पकड़ लेते हैं, बाकी केस में तो सबूत तक नहीं मिलता। ये खबर न्यूज़ चैनल वालों के लिए सिर्फ एक दिन की खबर है, अगले दिन सब भूल जाते हैं। हमारी बच्ची पर ऊपर वाले अपनी कृपा बनाए रखना। कौन हो क्या हो ये तो मैं नहीं जानता। इसे देख रहा है, तेरी उंगली काटने के लिए ये कैंची काफी है। मेरे सवाल से पहले तू अपना जवाब रख देना। हमारी बच्ची कहाँ है? किसका हाथ है इसके पीछे? अर्जुन का हाथ है, अर्जुन। हेलो साइमन, जेनी और पूजा पुलिस स्टेशन में है, तुम अभी कहाँ हो? कुछ लोग उसको मंदिर के बाहर छोड़कर चले गए हैं। अभी वो कहाँ पर है? अरे उसको अभी जनरल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। और तुम फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? कितनी देर से फोन कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। डॉक्टर सब ठीक है? चिंता की कोई बात नहीं, इसे मॉर्फिन का हैवी डोज दिया गया है,
ये ठीक हो जाएगी, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ मुझे भाई बोलिए। बच्चे भी कैसी है? अभी चिंता की कोई बात नहीं मुझे भाई। हाँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ तू रो मत यार, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। मुझे भाई। हाँ आते समय एक फुल बोतल लेकर आओगे क्या? बोतल मांग रहा है, चखना नहीं चाहिए क्या? हाँ चखना भी लेके आना, वो मिक्सचर थोड़ा तीखा वाला। ठीक है मैं लेकर आता हूँ। ठीक है भाई, ओके भाई। ओके हाँ आता हूँ। ये हॉस्पिटल है, धीरे से गाओ नहीं तो पता चल जाएगा। अब उनको धीरे से गाना नहीं आता। कुछ नहीं होगा यार। गाते हैं। साइमन आ गया। मैं आ रहा हूँ, एक पैग और बना के रखना, तुम लोग पियो तब तक। पी लो पी लो पी लो। हाँ। अरे साइमन आजा आजा, वो अंदर है, वो ठीक है, एक पैग तू भी पी ले, आजा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, तू जा। चिंता मत कर, सब ठीक है, देखना है तो उधर जा, उस तरफ। के बाद तुम मेरी बेटी को कहीं मत ले जाना। ओके सर, ठीक है सर। अरे कहां थे तुम साइमन, फोन भी नहीं उठा रहे, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हैं? पापा आप ये बात जानते हो कि चाइल्ड मिसिंग केस के पीछे किसका हाथ? अरे उसका पता लगा रहे हैं। अगर आपको ये पता चले कि इसके पीछे अर्जुन का हाथ है तो आप क्या करेंगे पापा? देखो साइमन, तुम इसमें दखल अंदाजी मत करो, अर्जुन का बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, उसके काले कारनामे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। अर्जुन जैसे लोगों को पकड़ने के लिए बहुत पुख्ता सबूत की जरूरत है। क्या बात है? जोशी है क्या घर में? आप लोग कौन है, पहचाना नहीं? मैं साइमन हूं, जोशी का दोस्त हूं। साइमन? इस नाम का उनका कोई फ्रेंड नहीं है। सर वो आईपॉड। वैसे आप लोग हैं कौन और क्या चाहिए आप लोग को? हम लोग दरअसल, हमने बहुत तकलीफ उठाकर उसकी परवरिश की, लेकिन नाम के लिए भी हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, जलाकर राख कर दिया गया। अरे क्या बोल रही है? और तुम लोग यहाँ किस जोशी को ढूंढने के लिए आए हो? और आगे से हमको कोई भी तकलीफ पहुंचाई ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जाओ यहाँ से तुम लोग। उस आईपॉड के अंदर कुछ तो है। कौन सा आईपॉड? जो आईपॉड हमने अर्जुन को वापस किया था। अगर तू मारेगा नहीं तो एक सच बात बताऊं, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। इस बात को तू कैसे जानता है? मैंने सोचा उसके अंदर कुछ वीडियो मसाला होगा, इसलिए मैंने कॉपी भी किया था, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर के फोटोग्राफ्स और कुछ एड्रेस भी थे। अरे मैंने देखा इसमें कुछ नहीं है। वो भी चुपचाप बैठ। अर्जुन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, अगर मैं चाहूं तब भी मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। वही दो आईपैड केस, क्या हुआ उसका? उसका असिस्टेंट है ना डॉक्टर जोशी, डाटा सारा उसी के पास है, अगर लीक हो गया तो बहुत बुरा फंसेंगे।
ये लोग कौन है पहले ये पता लगाना है, उसके बाद ही काम आसान होगा। स्वाति को हो क्या गया है? एक्सीडेंट हो गया था। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया था? क्वीन हॉस्पिटल में। उसे तुरंत आईसीयू में भेज दिया, फिर कहा कि उसका ब्रेन डेड हो गया है। वो बचपन से ही छुट्टी के दिन ही घर आती थी, मैं उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती थी। सच में उसको क्या बीमारी थी इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। कौन सा हॉस्पिटल? यही पास में जो बड़ा अस्पताल है क्वीन। जब मुझे पता चला उसका ब्रेन डेड हो चुका है तो मैंने उसके ऑर्गन डोनेट की मंजूरी दे दी। नौशाद भाई, आपने कायम कोलम यूनिट का नंबर आप मुझे दे सकते हो क्या? क्या बात है साइमन? मेल कर पूरी बात बताता हूँ। अरे अफजल को मरे हुए तो 3 महीने हो गए, और वैसे भी अफजल तो एक पेंटर था, बिल्डिंग में पेंट करते वक्त गिर के मर गया था। उसके 2 बच्चे भी हैं और फैमिली भी बहुत तकलीफ में है। वैसे हमें उसके परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। वो सब हम कर लेंगे। लेकिन वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थी? क्वींस हॉस्पिटल में एडमिट था। क्वीन हॉस्पिटल क्यों? मालू, आज मैंने भगवान से तुम्हारे लिए मन्नत मांगी है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सांस लो, चिंता मत करना, तुम एकदम ठीक हो जाओगी, ठीक है ना? अब तुम आराम करो। और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। कैसी हो? गुड मॉर्निंग सर। एक इंजेक्शन लगाना है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, तुरंत ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? बेटी बेटी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ सर? मेरी बेटी अभी बहुत अच्छी थी, अभी अचानक ऑपरेशन की बात। क्यों रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मैं देखता हूँ, डोंट वरी। हाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाहर, जाओ, मैंने कहा बाहर जाओ, जाओ। हॉस्पिटल में जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ हुआ वो डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया। उन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। अर्जुन जैसे बड़े लोगों से टक्कर लेना मेरे बस की बात नहीं है। इन लोगों में से अभी कोई जिंदा नहीं बचा है, और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि ये एक रोग से प्रभावित थे, ब्रेन डेथ। इन सभी के नॉर्मल केसेस को बड़ी बीमारियों में बदलकर ब्रेन डेथ का नाम देकर सभी के ऑर्गन्स की स्मगलिंग होती है। करोड़ों का लेन देन है इस बिजनेस में, और ये जो क्वीन हॉस्पिटल है वो अर्जुन की प्रॉपर्टी है। तो उस लड़के को जलाने वाला यही है ना? हमारे जमाने में ब्रेन डेथ नाम की बीमारी का नाम तक नहीं सुना, और आजकल लोग विश्वास करके चेकअप करवाने चले जाते हैं। बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा के उनके ऑर्गन्स फॉरेन कंट्री में बेच देते हैं। इस तरह से किडनैप करने का ये जो कुछ भी ड्रामा है ना, उसी आदमी ने शुरू किया है। अब ये बता कि हमें क्या करना है? हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये काम पुलिस का ही है, पुलिस ही सब कुछ कर सकती है, वो बहुत पावरफुल वाले लोग हैं, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। मूसा भाई, बेकार में इतना डर क्यों रहे हैं? वैसे इस बारे में पुलिस को पता चलने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। देखो, हमें जो काम करना था वो हमने कर दिया, अभी अर्जुन को लॉक करना होगा। हीरो है सबको करने जीरो, अरे इसमें ऐसा है दम जो रहता हर दम लोडेड, पीछे जिसके भी पड़ जाए कर देता उसको बेदम, जरा बच के रहना बाबा। बच के रे यारो, कर ले जुर्म से तौबा रे, आया रे आया रे आया रे हीरो करने पाप खत्म। सुन ले रे सुनेगा ना एक्सक्यूज, ये तो कर देगा ये चकनाचूर हीरो आया सबको करने जीरो। अरे साइमन, तुम मुझे यहाँ कर पिक करना, इतना काफी है। ओके ओके चलो जाओ। ओके जिसके भी वो बढ़ जाए कर देता उस।
इसको बेदम, जरा बच के रहना बाबा। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? अच्छा तो यही है कि हम पुलिस को खबर कर दें। मौत के डर से बढ़ाए हुए कदम हम कभी पीछे नहीं लेते। 1,00,000 मारूंगा ना तो तू अपना डायलॉग मारना भूल जाएगा। अरे तो अब इसमें मैं क्या करूं? अरे बकवास बंद कर। अरे मूसा भाई की बातों में कुछ मतलब है, हम सीआई सर को फोन करके बता देते। ठीक है, तू भी सही कह रहा है। भगवान सब कुछ ठीक करना। ए सुन रमेश। हाँ। ये पश्चिम दिशा ही है ना? हाँ हाँ यही है, यही है। आप परेशान मत होइए। अरे डर कौन रहा है। हाँ। ऊपर वाले उसका काम तमाम कर दे। हाँ, ले, 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 मैं गाड़ देता हूँ। जल्दी 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 कर, कोई आना जाए। नहीं नहीं जल्दी कर रहा हूँ। बस हो गया हो गया हो गया हो गया, चल निकल। हाँ चले चले चले। ये आधी रात को ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? इतनी रात को मीटिंग करते हैं? इनके पुराने दोस्त हैं ना सर। ठीक है, यहीं रुकते हैं और इन पर नजर रखते हैं। क्या हुआ सर? वो एक मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत? सर आपको हमारे साथ आना होगा। आखिर मामला क्या है ये तो बताओ। आधी रात को कहाँ जा रहे हैं? हम इनका पीछा करें सर। छे, फंसना चाहता है क्या? नहीं फंसेंगे सर। इन लोगों ने कुछ लफड़ा किया है। सुन के लिए दिल को इसकी अलग एक थिंकिंग, ना किसी की ये सुनते कर डालते तुम जगतवा। जीरो है सबको करने जीरो, अरे इसमें ऐसा है दम जो रहता हर दम लोडे। अरे सर जी आप भी साथ में? अच्छा है। हाँ। जो कानून समझता है वो साथ में हो तो अच्छा रहता है। चलो पुलिस के समझाने से लोग समझ जाएं तो देश का भला ही होगा ना। जगह तो सुपर है, अब तो खेल कर ही जाएंगे। विजय फैंस के साथ में सीआई सर भी शामिल है। इन सब का एक साथ इतनी रात को इधर क्या काम है बे? तुम्हारी वजह से ही हम सब फंसे हुए हैं। खेल खत्म। ए बास्टिन। जी सर। किसी को भी बाहर मत जाने दे, शटर बंद कर। एक्सक्यूज मी, ये मेन स्विच कहाँ है? मेन स्विच सीधे जाकर लेफ्ट में मुड़ जाओ। सीधे जाकर लेफ्ट में मुड़ना। हाँ। थैंक यू थैंक यू। अरे सुनो। हाँ? रीडिंग लेने आया हो ना? हाँ हाँ रीडिंग लेने ही तो आया हूँ। ठीक है ठीक है, रीडिंग लेने आया हूँ। ओके। कैसे कैसे लोगों को काम पर लगा रखा है। ऐसे एड़ों के साथ कैसे काम कर रहा है? आइंदा मेरे सामने कोई लफड़ा लेके आना मत। सर क्या है रे? ये शटर अटक गया, नीचे नहीं आ रहा है। हमें ताकत लगाना। थोड़ा ओपन रखने के लिए बोलिए, जरूरत पड़ सकती है। वे चुप कर। फुटपाथ पे टपरी लगा के पराठा बना के बेचता था मैं, अभी बहुत बड़ा बन गया। तुम जैसे टपोरी लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अभी हिम्मत देखो तुम लोगों की, दो चार यार मेरे अड्डे पे। अभी तुम लोगों का जनाजा निकालने के लिए और आदमी बुलाने पड़ेंगे। क्या सर जी आप भी इन लोगों की तरह एड़े हो गए हैं क्या? आगे के इलेक्शन में जीतने के बाद मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं ना? हाँ? अभी क्या होगा, कहानी खत्म। अरे चुप है। कब से तेरे गटर का शटर बंद ही नहीं हो रहा है, क्या बोले जा रहे तू? हाँ डूबने वाले को बचाया जाता है, उसे लेकर डूबा नहीं जाता। मेरे एक इशारे पर मेरे ये सारे बंदे मेरे साथ मरने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। वैसे तुम लोगों की परेशानी क्या है?
जिंदगी में विजय का कटआउट रखना, उसे दूध से नहलाना ही काफी नहीं होता, तो बिना वजह मेरे मामले में टांग क्यों अड़ा रहा है? तेरी बच्ची को बिना नुकसान पहुंचाए वापस कर दिया था ना, अब भी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ? अरे कोई हमारे कॉलोनी के बच्चे को उठा कर ले गया। अरे वो कॉलोनी में ऑटो चलाने वाले की बच्ची है, पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं सब लोग। एक काम कर, उसे कहीं ले जाकर छोड़ दे। अरे इसके साथ साथ आईपैड भी चला गया। अब अगर उसमें से मैसेज लीक हुआ तो हम सब फंस जाएंगे। सॉरी साइमन, गेम ओवर। क्या सर आप तीन पत्ते खेल रहे हो क्या? सर आप विलन हैं, ये बात मुझे पहले से ही पता थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने हमें लॉक करके रखा है, लेकिन आपको हमने लॉक करके रखा है। गेम ओवर। क्या ओवर? अगर जरा सी भी कोई परेशानी हुई तो तुम ये कॉइन उछाल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेन स्विच ऑफ कर दूंगा मैं। तू इसे ही मारना चाहता था ना? जा मार। साइमन कोई बचना नहीं चाहिए। लोग एक्टर्स के कटआउट रख के दूध से अभिषेक करने वाले मामूली लोग हैं, लेकिन जो फैंस लोग हैं वो पागल नहीं है। हम किसी से कोई उम्मीद किए बिना प्यार जताने वालों में से हैं। आप विजय को नीचा दिखाना चाहते हो ना? लेकिन मैंने आपको अपने सगे भाई की नजर से देखा है, इसलिए मैं आपको अभी छोड़ रहा हूं।
साइमन, मैंने एक बार जो फैसला कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आज के बाद कोई भी बच्चा इस शहर में चोरी नहीं होगा। उस दिन मुझे पता चला कि विजय के फैंस का स्ट्रेंथ क्या है। अरे आपको कैसे पता चला? अरे उन लोगों ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है सर। लेकिन अभी वो कहाँ पे है? वो तो जहाँ होगा मस्ती से जी रहा होगा। अरे यार इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसने गलती ना की हो। इलेक्शन में खड़े होकर जनता को बेवकूफ बनाकर अपनी जिंदगी अच्छी तरह जीते रहिए। हाँ तू सही कह रहा है, मैं थोड़ा लालची हो गया था। बात तो सही है। वैसे सर आपका पार्टनर अभी कहाँ है? वो अर्जुन और उसका भाई? जरा टेस्ट करके देखता हूँ। नमक कितना डाला बे? एड़े कैसे? ये ओल्डर, एक तो इसको नमक का मतलब नहीं मालूम, ऊपर से भर भर के डाल रहा है, समझा ना इसको। सर पोखरी साइमन के बारे में और बताइए ना। सिर्फ मुझे अपना पता है। वहां गोली चलाने की परमिशन तुम्हें देनी पड़ेगी क्या? तुमसे नहीं होता तो बता दो, पुलिस डिपार्टमेंट में और भी जाबाज है। हेलो। अरे फिल्म शुरू होने वाली है, जरा जल्दी आओ। हाँ बस ड्यूटी से फ्री हो गया हूँ, आ रहा हूँ। सर हेलो। हेलो क्या ऊपर खड़े होकर सैल्यूट कर रहे हो? नीचे आओ, सैल्यूट करो। सर जा, बड़े अफसर से कैसे सैल्यूट किया जाता है, कैसे बात की जाती है ये भी नहीं समझते। कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा है? अरे क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे हो? छोड़ो तुम नहीं आने वाले, बस दो मिनट देना। अपने लिटिल ब्रिगेडियर विजय जी की जय हो।